मम्मा लव्स यू बिल्ला देंगे चल सुरजी बाय बाबू ठीक है हेलो 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 बच्चा पार्टी दिस इज अर्चना राठी कैसे हैं सब लोग हेलो बेटा हेलो 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 क्या तुम्हें मैं ठीक से दिखाई दे रही हूँ और सुनाई दे रही हूँ तो बिना स्पैमिंग किए फटाफट से सच्ची सच्ची बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में कि क्या मैं ठीक से दिखाई और सुनाई दे रही हूं फिर आगे बढ़ेंगे बेटा गुड आफ्टरनून बेटा गुड आफ्टरनून ऑल गुड आफ्टरनून चलिए खूब सारे थम्सअप दे दीजिए चैट बॉक्स में वीडियो ऑडियो क्लियर है आ रहा है आवाज यस 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 चलिए तो हमें चैट में बहुत सारे यस मिल गए हैं यानी कि हम आज की पहली क्लास बॉटनी क्लास शुरू कर सकते हैं इस बहुत बड़े बैच में दैट इज यकीन बैच जो कि भारत का ऑनलाइन ड्रॉपर बैच सबसे बड़ा बैच है तो इसमें पहली बॉटनी लाइव क्लास शुरू करते हैं बेटा मुझे उम्मीद है कि जितनी एक्साइटेड मैं हूं उतने ही एक्साइटेड आप लोग होंगे तो शुरू करें शुरू करें बेटा चलिए जी चलो तो आ जाओ सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आज हम आज के लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं तो आज बेटा सबसे पहले तो आपका हो गया ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन के मायने क्या है भाई इसमें बिल्कुल आपको पकाया नहीं जाएगा बिल्कुल भी नहीं पकाया जाएगा तो भागिएगा मत इसमें ऐसी बातें बताई जाएंगी बेटा जो पूरे साल जो पूरे साल आपको मदद करने वाली हैं तो शुरू में होगा ओरिएंटेशन इसमें जानेंगे आप अपनी टीचर को जानोगे आपकी टीचर आपको जानेगी आप अपने सब्जेक्ट को जानोगे आप अपनी स्ट्रैटेजी को जानोगे कि पूरे साल हमें क्या करना है और कैसे करना है यानी कि आज के लेक्चर में हम नींव रखेंगे और अगले आने वाले सारे लेक्चर्स में हम सुंदर सा मकान बनाएंगे सो रेडी ऑल रेडी ऑल बेटा चलिए फिर उसके बाद आज की क्लास में बेटा रहेगा इंट्रोडक्शन टू सेल हम एक बेसिक सा आइडिया जानेंगे आज हम कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर जो हमने लिया है वो है क्लास का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और आज के लेक्चर में हम एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेंगे सेल के बारे में कि सेल होता क्या है एक ओवरव्यू लेंगे सेल का राइट तो सबसे पहला चैप्टर हमने यही क्यों सेलेक्ट किया सेल क्यों सेलेक्ट किया हमने लिविंग वर्ल्ड से क्यों स्टार्ट किया क्योंकि बेटा आप सब जानते हो कि जीवन का सार क्या है जीवन का सार है सेल तो जब सेल समझ में आएगा तभी तो बाकी के चैप्टर समझ में आएंगे तो ये वाला चैप्टर बाकी सारे चैप्टर से रिलेटेड है इसीलिए सबसे पहला चैप्टर ये उठाया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ राइट चलो फिर आ जाओ देखते हैं तो पहले ओरिएंटेशन चालू करते हैं और फिर सेल के बारे में जानेंगे ओरिएंटेशन भी जरूरी है आ जाओ भाई तो ओरिएंटेशन में सबसे पहले क्या करने वाले हैं आप ओरिएंटेशन में सबसे पहले जानने वाले हो अपनी टीचर को अपने गुरु को तो सबसे पहले तो बेटा तुम्हें मुझ पर ही भरोसा होना चाहिए तुम्हें भरोसा होना चाहिए कि इस बैच में अपना भविष्य तुमने जिसके हाथों में दिया है वो इस लायक है कि नहीं है तो बेटा थोड़ा सा भरोसा तो मुझे खुद पे है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकती हूँ लेकिन वो भरोसा तुम्हें भी तो मुझ पर होना चाहिए और वो तब होगा जब तुम थोड़ा बहुत मेरे बारे में जान लोगे तो आ जाओ थोड़ा बहुत जानते हैं कि कौन है अर्चना राठी मैम बेटा आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन बॉटनी फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ डेली तो ठीक है कोई तोप नहीं उखाड़ ली चलिए अब बात यह है कि क्या मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है क्या मैं आपको सही गाइडेंस दे पाऊंगी क्या मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में सही मायनों में मदद कर पाऊंगी तो मेरा जवाब है हाँ क्यों क्योंकि बेटा पिछले 11 साल से मैं पढ़ा रही हूँ 2013 से मैं पढ़ा रही हूँ और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज की तारीख में मेरे डॉक्टर बन चुके हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में हैं और अभी फिजिक्स वाला से जब मैं जुड़ी हूं तभी मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ उससे पहले लगभग ढाई तीन साल से पहले आई वॉज इन ऑफलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में लगभग सारे ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है चाहे वो आकाश इंस्टीट्यूट हो चाहे वो नारायणा हो चाहे वो श्री चैतन्या हो चाहे वो एमिटी हो चाहे वो पेस हो तो इसका मतलब भरोसा कर सकते हो चलिए आ जाइए जी तो मैंने अभी तक फर्स्ट रैंक तो देखो मेरे बैच से नहीं आई है मैं सही मायनों में बताऊं मैं फेंकूँगी तो नहीं फर्स्ट रैंक तो मैंने अभी तक जनरेट नहीं करी है लेकिन हाँ बहुत सारी टू डिजिट टू टू डिजिट और थ्री डिजिट रैंक्स मैंने जनरेट करी है और बहुत सारे मेडिकल टॉप इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं आज से अगर कभी मौका मिला तो आपकी बातचीत करा देंगे राइट चलिए तो ये हुआ मेरे बारे में राइट अब थोड़ा सा तो भरोसा हो गया होगा बाकी का भरोसा तब होगा जब बैच में आ जाओगे और मैडम से पढ़ना शुरू कर दोगे वो भरोसा ही क्या जो पांच मिनट में आ जाए है ना पर थोड़ा भरोसा शुरुआत करने के लिए तुम्हें शायद मुझ पर आ गया हो और बाकी का भरोसा डेवलप होगा बैच के अंदर बैच के अंदर बाकी बातें करेंगे आ जाओ चलिए जी अब मैडम को तो अपनी जान लिया जो आपकी बॉटनी संभालने वाली हैं अब थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट को भी जान लो बेटा तो अब हम बॉटनी में कौन कौन से चैप्टर मैं बॉटनी में कौन कौन से चैप्टर आपके लिए कवर करूंगी कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो हट गए हैं और इस साल हमें कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं तो आपको एक थोड़ा सा मैं आइडिया भी दूंगी कि, कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने के प्रोडिक्शन होता है ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो शुरुआत करने से पहले थोड़ा बहुत अपने सब्जेक्ट को भी जानना चाहिए है ना तो आ जाओ देखो क्या पढ़ेंगे बेटा तो हमारे सब्जेक्ट में बॉटनी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे बेटा लिविंग वर्ल्ड और ये चैप्टर से जीरो से वन क्वेश्चन मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इससे क्वेश्चन ना आए या फिर एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है तो लिविंग वर्ल्ड से एक क्वेश्चन या क्वेश्चन ना भी आए ऐसा भी हो सकता है चलिए दूसरा चैप्टर जो हम डील करने वाले हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक क्वेश्चन भी आ जाता है कभी दो क्वेश्चन आ जाते हैं फिर उसके बाद हमारा आता है प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम में से एक सवाल भी आ जाता है दो भी आ जाते हैं तीन भी आ जाते हैं चार भी आ जाते हैं तो रेंज दो से चार क्वेश्चन आने की होती है फिर हम पढ़ेंगे बॉटनी में Morphology. Morphology में मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी भी सवाल आने की रेंज जो होती है वो दो से चार क्वेश्चन की होती है फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स उसमें से सवाल आने की जो रेंज होती है वो तीन से चार होती है तीन सवाल भी आ जाते हैं चार भी आ जाते हैं कभी दो भी आ जाते हैं चलिए सेल चैप्टर जो हम आज कवर कर रहे हैं जिसको मैंने सबसे पहले उठाया है उसमें से सवाल आने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो दो से तीन क्वेश्चन की रहती है बेटा राइट फिर आप देख रहे हो सेल साइकिल सेल साइकिल में तीन से पांच क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है पिछले तीन सालों में इस चैप्टर से पांच सवाल आए हैं पिछले तीन सालों में इस चैप्टर से पांच सवाल आए तो आप समझ सकते हो किसी एक चैप्टर से पांच सवाल आ रहे हैं तो वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पिछले कुछ सालों में नीट ने इस चैप्टर पर काफी भरोसा दिखाया है तो सेल साइकिल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है चलिए बेटा फिर उसके बाद हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अच्छा एक यूनिट आती है प्लांट फिजियोलॉजी जिसमें से दो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में बेटा दो से चार क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है फोटोसिंथेसिस से भी दो से चार क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी दो से चार क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है तो प्लांट फिजियोलॉजी जो यूनिट होती है उसमें से दो चैप्टर हट गए हैं एक है आपका मिनरल न्यूट्रिशन और दूसरा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स तो बेटा इनमें वो सवाल जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन से आते थे वो अब थोड़े थोड़े इनमें बट जाएंगे चलिए फिर आता है हमारा यहाँ से ट्वेल्थ चालू हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें तीन से छह क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है एक साल इसमें से छह क्वेश्चन आए थे एक साल पांच आए थे एक साल चार आए थे तो तीन से छह क्वेश्चन आने की जो है प्रोबेबिलिटी रहती है बेटा ठीक है एक बच्चा कह रहा है मैम चिंता समीर कुमार कह रहा है चिंता मत करो आपके लिए फर्स्ट रैंक मैं लेकर आऊंगा वेरी गुड बेटा ऑल द बेस्ट वाह चलो प्रिंसिपल ऑफ इन्हेरिटेंस एंड वेरिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आप जानते हो जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है और इससे सवाल बहुत ही ज्यादा आते हैं बेटा इस बार तो शायद और ज्यादा आए तीन से छह सवाल आने की प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर से रहती है लेकिन इस साल और भी ज्यादा आ सकते हैं छह क्वेश्चन भी आ सकते हैं सात भी आ सकते हैं बेटा जी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर है मोलिकुलर इनहेरिटेंस इससे भी बहुत ही ज्यादा सवाल आते हैं आप देख रहे हो मैंने क्या लिखा है छह से नौ छह से नौ क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है इस चैप्टर से चलो फिर हमारा आएगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जिसमें एक से तीन क्वेश्चंस आते हैं लगभग फिर आता है हमारा ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशन तो जो लास्ट की यूनिट थी बेटा इकोलॉजी उससे एक चैप्टर हटा दिया गया है दैट इज एनवायरमेंटल इशूज तो हमारे पास तीन बचे हैं ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन उसमें से तीन से पांच क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी इकोसिस्टम दो से चार क्वेश्चन आने की संभावना होगी और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एक से तीन चलिए तो इसका मतलब बॉटनी में मैडम हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं तो इसका मतलब बेटा बॉटनी में हमें टोटल सत्रह चैप्टर पढ़ने हैं और जिनका नाम मैंने नहीं लिखा है वो हमें नहीं पढ़ने हैं वो सेलेबस से डिलीट हो गए हैं जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जैसे एनवायरमेंटल इशूज जैसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जैसे मिनरल न्यूट्रिशन जैसे स्ट्रेटेजीज ये सारे चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं हम नहीं पढ़ेंगे बात समझ में आई चलिए तो ये हमने अपने सब्जेक्ट को जान लिया कि मैडम हमें क्या क्या पढ़ाएंगी और कौन से जो है चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने की संभावना होगी चलो सब्जेक्ट को जान लिया मैडम को जान लिया अब तुम्हें भी तो जान ले भाई इस बैच में किस तरह का बच्चा है अगर मुझे थोड़ी नॉलेज हो जाएगी तो मेरा काम मेरे लिए आसान हो जाएगा तो चलो अब तुम्हें जानते हैं बेटा आ जाओ फिर तो अपनी बच्चा पार्टी को भी जान लेते हैं थोड़ा सा इस बैच में कौन से बच्चे हैं सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी बेटा आपसे कि इस बैच में चलो यहां पे एक पोल जनरेट कर लेते हैं मुझे एक सेकंड का टाइम दो बेटा मुझे एक सेकंड का टाइम दो यहाँ पे हम एक पोल जनरेट करेंगे जस्ट गिव मी वन सेकेंड ये मैडम करना भूल गई हैं आज इसे मैं क्लास से पहले करना इसलिए भूल गई हूँ क्योंकि बेटे को मेरे है बहुत बुखार चलिए तो फर्स्ट क्लास ऑफ बॉटनी आ गई है ये पोल्स हम जनरेट करेंगे चल बेटा आ जाओ तो इस बैच में बेटा अक्सर जो मैं बच्चों से प्रॉब्लम सुनती हूँ वो ये सुनती हूँ कि मैम हम ना हिंदी मीडियम से हैं मैम हम ना स्टेट बोर्ड से हैं तो क्या हमें इस बैच में समझ में आएंगी क्या चीजें हमें थोड़ा सा परेशानी होती है तो बेटा सबसे पहली बात तो वो सारे परेशानियाँ जो बच्चों को देखने को मिलती हैं मैं आज उन्हें यहाँ सब सॉल्व करने वाली हूँ क्योंकि मैं सच बताऊं जब मैंने कोचिंग करी थी ना अपने ट्वेल्थ के बाद मैंने ड्रॉप लिया था और मैं दिल्ली कोचिंग करने आई थी तो उस समय उस समय मैंने ग्यारहवीं बारहवीं में कोचिंग नहीं करी थी और अचानक से खाई फाई जगह आ गई और वहां आकर मैंने देखा कि भैया बच्चे तो बहुत एडवांस हैं इन्होंने तो पहले से ही कोचिंग कर रखी है तो तीन से चार महीने तो मतलब हम डिप्रेशन में ही रहे भाई क्या हो रहा है लेकिन फिर समझ में आया भाई है क्या इसमें इसमें है क्या मास्टर कुछ बोर्ड पे पढ़ा रहा है साइंटिफिक भाषा बोल रहा है मुझे समझना है और अपना काम करना है फिर तीन चार महीने बाद सारा डर खत्म हो गया वो डर क्यों था वो डर दिमाग में इसलिए था कि पहले कभी कोचिंग नहीं करी थी तो ऐसे ही बहुत सारे डर बच्चों के दिमाग में आज की तारीख में होंगे जो आज की डेट में इस बैच में बैठे हैं बहुत सारे डर होते हैं मैं अच्छे से जान सकती हूँ मैंने भी नीट की तैयारी करी है ठीक तो बहुत सारे डर बच्चों के मन में होते हैं क्या क्या मैडम हम ना स्टेट बोर्ड से हैं यूपी बोर्ड से हैं हिंदी में पढ़ते हैं या हम बंगाल बोर्ड से हैं राइट या हम असम बोर्ड से हैं तो हम तो स्टेट बोर्ड से हम इस बैच में पढ़ सकते हैं क्या या फिर हम इंग्लिश मीडियम से हैं हम सी बोर्ड से हैं हम आई बोर्ड से हैं तो पढ़ सकते हैं क्या सबसे पहले तो मुझे ये बताओ एक पोल जनरेट कर लेते हैं बेटा कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि डाउट्स कहाँ से आ गए कितने लोग ऐसे हैं बेटा यहां पे ए और बी ऑप्शन में से आप जो है चालू रखना ए और बी ऑप्शन में से आप देना जो लोग इंग्लिश मीडियम में है इंग्लिश मीडियम से हैं वो ए दबाएं और जो स्टेट बोर्ड से हैं वो कृपया करके इस पोल में बी जनरेट करें जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो जल्दी से ए ऑप्ट करो अपने पोल्स में या फिर चैट बॉक्स में मुझे बता दो जो नहीं जिनको पोल दिखाई दे रहा है क्योंकि मुझे ये जानना बहुत जरूरी है बेटा कि इस बैच में किस तरह का बच्चा है क्योंकि मैं उसी तरह से फिर पढ़ाऊंगी ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए तो जिनको पोल दिखाई दे रहा है वो बताएंगे ए या बी दबा के बताएंगे कि वो इंग्लिश मीडियम से हैं या वो स्टेट बोर्ड से हैं और जो स्टेट बोर्ड से हैं वो चैट बॉक्स में बता दो जिनको पोल नहीं दिखाई दे रहा चलिए तो जैसा कि मैं देख पा रही हूं देखते हैं बेटा ए और बी चलिए ए देखते हैं यहां पे तो 53% परसेंट बच्चा कह रहा है यहां पे 53% परसेंट बच्चा कह रहा है कि हम तो मैडम इंग्लिश मीडियम से हैं यानी कि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से और 46% परसेंट बच्चा कह रहे हैं हम जो है स्टेट बोर्ड से है तो मुझे समझ में आ गया देखो मुझे समझ में आ गया कि मेरे बैच का बच्चा लगभग आधा बच्चा इंग्लिश मीडियम से है और मेरे बैच का आधा बच्चा स्टेट बोर्ड से है तो मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी कैसे पढ़ाऊंगी अब ये सुनो यहां पे दो भाषा इस्तेमाल होंगी पहली हिंदी और दूसरी इंग्लिश तो हिंदी भाषा तो सभी को समझ में आती है चाहे किसी भी स्टेट का बच्चा हो हिंदी भाषा थोड़ी बहुत सबको समझ में आती है और अगर किसी को हिंदी नहीं आती तो थोड़ी बहुत इंग्लिश सबको समझ में आती है तो इस बैच में जो साइंटिफिक टर्म्स है वो सारे इंग्लिश में इस्तेमाल होंगे हिंदी भाषा इस्तेमाल होगी जो सबको समझ में आएगी राइट तो बेटा बिल्कुल बेफिक्र रहो बिल्कुल बेफिक्र चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो सबको इस बैच में सब कुछ समझ में आएगा किसी को भी दिक्कत नहीं होगी तो बिल्कुल अपने दिमाग से ये निकाल देना कि हम हिंदी मीडियम से हैं या हम बंगाल बोर्ड से हैं या हम इस बोर्ड से हैं तो हमें इस बैच में शायद समझ में ना आए हम तो यार पीछे रह जाएंगे क्योंकि बेटा जब शुरुआत से ही आपके दिमाग में डाउट आने लगता है ना या डर आने लगता है जब डाउट और डर आपके दिमाग को घेर लेता है तो आप अपना हंड्रेड परसेंट नहीं दे पाते हो तो आज की तारीख में आज के दिन में आपके सारे डर दूर करूंगी फिर मैं बैच शुरू करूंगी ताकि आप बैच में आगे बढ़ो तो आप में पूरा आत्मविश्वास हो पूरा कॉन्फिडेंस हो कि फोड़ देंगे भाई हम कहीं से भी हो हम किसी भी स्टेट से हो हम किसी भी मीडियम से हो हमने कोचिंग करी हो चाहे ना करी हो चाहे हमारी आंख आज खुली हो कुछ बच्चे बहुत दिनों से आठवीं क्लास से भी बच्चे तैयारी में लग जाते हैं पर हमारी आंख तो अब खुली है बारहवीं देने के बाद लेकिन फिर भी हम फोड़ देंगे तो हर तरह का बच्चा इस बैच में जो है कॉन्फिडेंट फील करे बेटा ये मेरी जिम्मेदारी है हर तरह का बच्चा कॉन्फिडेंट फील करे बिल्कुल ना घबराए क्योंकि मैं भी घबराई थी दो तीन महीने और वो घबराहट में दो तीन महीने खराब हो गए थे तो यहां ये समझ में आ गया स्टेट बोर्ड का बच्चा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके सब के बच्चों को समझ में आएगा ऐसे पढ़ाऊंगी ऐसी भाषा में पढ़ाऊंगी सब समझ में आएगा चलिए नेक्स्ट अब ये तो मुझे समझ में आ गया 50 परसेंट बच्चा मेरे बैच में स्टेट बोर्ड का है फिफ्टी परसेंट इंग्लिश मीडियम का अब मुझे ये भी जानना है कि मेरे बैच में ऐसा बच्चा कितना है जो बारहवीं के साथ साथ तैयारी कर रहा है और इस बैच में बैठा है फिर मेरे बैच में ऐसा बच्चा कितना है जिसने पहला ड्रॉप लिया है ये फिर इसके बाद मेरे बैच में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका ये सेकंड ड्रॉप है या सेकंड से और ज्यादा या थर्ड ड्रॉप है या फोर्थ ड्रॉप है फिर अलोंग विद इलेवेंथ कुछ बच्चे एडवांस होते हैं जी हाँ होते हैं क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं ऐसे बच्चे जो दसवीं क्लास से ही तैयारी शुरू कर देते हैं यानी कि शायद कुछ बच्चे इस बैच में ऐसे भी होंगे जो अभी ग्यारहवीं में है लेकिन उन्होंने बैच ले लिया है ताकि उनकी एक ही साल में तैयारी हो जाए और फिर वो ग्यारहवीं बारहवीं में आराम से तैयारी करें तो ये चार वेराइटी के बच्चे इस बैच में हो सकते हैं मैं ये जानना चाहती हूं कि कौन कितना परसेंट है आजा वो पोल जनरेट करते हैं आजा बेटा पोल जनरेट करते हैं तो मैंने पोल जनरेट कर दिया मुझे जल्दी से जो ट्वेल्थ के साथ जो अभी ट्वेल्थ में आए हैं इस साल और उन्होंने ये बैच लिया है और तैयारी करेंगे वो ए ऑप्शन दबाएंगे जिनका पहला ड्रॉप है वो बी दबाएंगे जिनका सेकंड या सेकंड से ज्यादा ड्रॉप है वो थर्ड और जो इलेवेंथ के साथ पढ़ रहे हैं वो फोर्थ फटाफट से पोल जनरेट करके मुझे बता दो ताकि मैं समझ पाऊंगा अपने बैच को अपने बैच को समझना बेहद जरूरी है मेरे लिए उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊंगी फिर हाँ जी चलिए आ जाओ देखते हैं बेटा क्या हिसाब है ओ ओके पांच परसेंट बच्चा ऐसा है इस बैच में जो कि इस साल ट्वेल्थ में आया है और इस बैच में है चलो एट्टी फाइव परसेंट बच्चा ऐसा है जिसका पहला साल है ये पहला ड्रॉप लिया है उसने बारहवीं के बाद फाइव परसेंट बच्चा ऐसा है जिसका सेकेंड ड्रॉप है या उससे ज्यादा है और थ्री परसेंट बच्चा सोचो 3.7 तो मुझे इन चारों तरह के बच्चों के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा इसमें ग्यारहवीं का बच्चा भी है इसमें बारहवीं का बच्चा भी है इसमें पहला ड्रॉप वाला भी है इसमें सेकंड ड्रॉप वाला भी है यानी ऐसा बच्चा भी है जिसको कुछ नहीं आता भी भाई अभी उसे सब बताना है अब उसे ए बी सी डी भी नहीं आती पहले उसे ए बी सी डी सिखानी पड़ेगी फिर उसे वर्ड बनाना सिखाना पड़ेगा फिर उसे सेंटेंस बनाना सिखाना पड़ेगा और इसमें ऐसा बच्चा भी है जिसे एबीसीडी आती है टूटे फूटे वर्ड बनाने आते हैं पहले उसे टूटे फूटे वर्ड से सही वर्ड बनाना सिखाना पड़ेगा फिर सेंटेंस और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ए बी सी डी भी आती है वर्ड बनाना भी आता है सेंटेंस बनाना भी आता है बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है तो समझ रहे हो हर तरह का बच्चा है इस बैच में बेटा तो मुझसे ये उम्मीद मत करना ये जो पांच ये जो पांच परसेंट बच्चे है ना बेटा ये पांच परसेंट बच्चे जिनका सेकंड ड्रॉप है वो मैडम से यह उम्मीद मत करना कि मैडम बहुत तेज पढ़ाएंगी और हाई फाई पढ़ाएंगी बेटा इन पांच परसेंट बच्चों को इन पांच परसेंट बच्चों को इनका साथ देना पड़ेगा मैं इनके हिसाब से भी पढ़ाऊंगी मैं इनके हिसाब से भी पढ़ाऊंगी और मैं इनके हिसाब से भी पढ़ाऊंगी मैं अल्टीमेटली तुम्हें सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी पर पहला बेटा मैं एबीसीडी से शुरू करूंगी ये पाँच परसेंट बच्चे सोचेंगे मैडम एबीसीडी क्यों पढ़ा रहे हो फास्ट पढ़ाओ मैडम ये पाँच परसेंट बच्चे शायद मैं कहने भी करेंगे ये पाँच परसेंट बच्चे शायद लाइव चैट में मैसेज करें कि मैडम इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो मैडम थोड़ा फास्ट पढ़ाओ ना मैडम मजा नहीं आ रहा मैडम नहीं बेटा मैं इनके हिसाब से भी पढ़ाऊंगी क्योंकि इस बैच में किसी बच्चे को घबराहट नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मजा नहीं आ रहा हमें तो डर लग रहा है ऐसा बच्चा जिसे ए बी सी डी भी ना आती हो वो भी इस बैच में कॉन्फिडेंट फील करे कि एक दिन मुझे भी सेंटेंस बनाना आएगा और जिस बच्चे को सेंटेंस बनाना पहले से आता है मैं सेंटेंस पर भी आऊंगी और उसे कैसे कॉन्फिडेंटली सेंटेंस बनाना है ये भी सिखाऊंगी तो ए बी सी डी से सेंटेंस तक जाऊंगी तो जो बच्चे पहले सेंटेंस बना के बैठे हैं उन्हें थोड़ा सा बेटा धैर्य रखना पड़ेगा ये मेरी गारंटी है कि उनको जो सेंटेंस बनाना आता है ना आज की तारीख में उससे चार गुना बेहतर सेंटेंस बनाना आएगा इस बैच के बाद चलिए तो मुझे समझ में आ गया मुझे दूसरी बात भी समझ में आ गई कि मेरे बैच में 85 परसेंट बच्चा ऐसा है जो ट्वेल्थ के बाद पहला ड्रॉप ले रहा है पांच परसेंट बच्चे का सेकेंड या सेकेंड से ज्यादा ड्रॉप है बाकी इलेवेंथ और ट्वेल्थ के बच्चे हैं बात समझ में आ गई भैया अब इसी हिसाब से पढ़ाएंगे मजा आ गया चलो अब यहां पर आते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जैसे मैथी मुझे ग्यारहवीं बारहवीं में बहुत ही बेसिक से छोटे से शहर में पढ़ते थे अब तो मेरठ जो है मेरठ से बिलोंग करती हूँ अब तो मेरठ एक काफ़ी अच्छा खासा डेवलप्ड शहर हो गया मेट्रो पहुँच गई है वहाँ पर लेकिन हमारे टाइम पर तो मेट्रो इतना जो मैं मेर... हमारा मेरठ था वो इतना डेवलप्ड नहीं था तो ग्यारहवीं बारहवीं वहीं से करी कभी कोचिंग क्या होती है जाना ही नहीं खुद से पढ़ते थे स्कूल जाते थे खुद लाइब्रेरी में बैठ के किताबों में टक्कर मारते थे लेकिन बारहवीं क्लास में पता चला भैया दिल्ली में कोचिंग होती है तो फिर बारहवीं क्लास के बाद आंख खुली तो मेरे जैसे बच्चे भी होंगे बेसिक से स्कूल से पढ़ाई करी पिताजी हमारे हेड कांस्टेबल थे पुलिस में तो पुलिस वाले जो है स्कूल में पढ़े हैं तो ऐसा कोई हाईफाई स्कूल में भी नहीं पढ़े थे तो घबराहट भी थी कि यार पहली बार कोचिंग कर रहे हैं कुछ समझ आएगा नहीं आएगा और पहली बार में पहुंच गए हाईफाई जगह दिल्ली पढ़ने वो भी बहुत हाई फाई इंस्टीट्यूट नाम आपने गैस कर ही लिया होगा जहां पे बैच में कुछ टीचर्स ऐसे थे सारे नहीं कुछ टीचर्स ऐसे थे जो मान के बैठे थे बच्चे को सब आता है भैया उसने तो डिप्रेशन ही दे दिया तीन से चार महीने तो डिप्रेस ही हो गए ये सोच के पिताजी का एक सवा लाख रुपया खर्च करवा दिया समझ आ नहीं रहा अब क्या करें मरें वापस जाए या पढ़ें तीन ऑप्शन सामने दिख रहे थे तो सबसे बेहतर लगा पढ़ें सबसे बेहतर ऑप्शन लगा कि पढ़ें जैसे तैसे पढ़ें पर पढ़ें जो होगी देखी जाएगी तो कुछ सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते थे बेटा स्पेशली फिजिक्स क्यों जाता था क्योंकि इतनी हाई फाई हमने पढ़ाई नहीं और वो तो ये समझ के चलते थे कि नहीं तो सब आता है क्योंकि मोस्टली उन बैचेज में जो है उन्हीं के कोचिंग का ग्यारहवीं बारहवीं का बच्चा जो कोचिंग कर चुका है वो बैठा था और हमें कुछ समझ नहीं आता था तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि इस बैच में बेटा मैं शुरू से शुरू करूंगी बिल्कुल ए बी सी डी से करूंगी ताकि कोई भी बच्चा डिप्रेस महसूस ना करे जो मैंने किया था तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ इस बैच में बेटा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हों जो पहली बार अपने जीवन में किसी कोचिंग को जिन्होंने जो है सहारा लिया है इससे पहले उन्होंने कहीं से कोई गाइडेंस नहीं ली और कितने परसेंट बच्चे इस बैच में ऐसे हैं जो पहले कोचिंग कर चुके हैं और उन्हें चीजों का ज्ञान है तो आज वो पोल जनरेट कर लेते हैं फटाफट से आपको ए और बी ऑप्शन दबाना है बस तो मैं पोल जनरेट कर रही हूँ जिन बच्चों को पोल नहीं दिखाई दे रहा है बेटा वो चैट बॉक्स में बता दो मैं चैट बॉक्स से भी आइडिया लगा लूँगी तो काफ़ी सारे बच्चे चैट बॉक्स में ए भी टाइप कर रहे हैं काफी सारे बच्चे जो हैं बी भी, भी टाइप कर रहे हैं तो यानी कि दोनों वैरायटी का बच्चा मुझे यहाँ नजर आ रहा है चैट बॉक्स में तो जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है कि फर्स्ट टाइम कोचिंग वाले भी काफी बच्चे हैं जिन्होंने पहले कभी कोचिंग करी ही नहीं चल बेटा आजा पोल देखते हैं उससे थोड़ा आइडिया लगेगा अच्छा ओ ऐसा कैसे हो सकता है बेटा जब 85 परसेंट बच्चा ऐसा कैसे हो गया पोल में पैंसठ परसेंट बच्चा कह रहा है कि उन्होंने कोचिंग पहली बार कर रहे हैं पैंसठ परसेंट बच्चा 65 परसेंट बच्चा कोचिंग पहली बार कर रहा है और 33 परसेंट बच्चा कह रहा है कि हम पहले कोचिंग कर चुके हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है तो अभी मैंने पीछे देखा कि 85 परसेंट बच्चा कह रहा था हमारा ये सेकंड ड्रॉप है या उससे सेकंड या थर्ड ड्रॉप है तो ऐसा कैसे हो सकता है इसका मतलब ये कैसे हुआ अगर 85 परसेंट बच्चे का सेकंड ड्रॉप है या तीसरा ड्रॉप है तो वो तो कुछ कर चुका होगा ना बेटा तो फिर ये कैसा पोल में रिजल्ट आया मैं समझ नहीं पा रही इसको मैं तो फिर यही मान के चलूंगी कि इस बैच में 85 परसेंट बच्चा ऐसा है जिसका सेकेंड ड्रॉप या थर्ड ड्रॉप है तो वो तो कोचिंग कर ही चुका होगा है ना और बाकी का जो 30 परसेंट बच्चा मैं ये मान के चलती हूँ कि लगभग 30 परसेंट बच्चा बैच में ऐसा है जिसने पहले कभी कोचिंग मैंने गलत पोल पढ़ लिया क्या अच्छा वो फर्स्ट ड्रॉप था ओके ओके <laughs> चलो ठीक है एट्टी फ़ाइव परसेंट बच्चे का पहला ड्रॉप है अरे सॉरी सॉरी मैंने गलती कर दी हाँ चलो बढ़िया हुआ तुमने चैट बॉक्स में बता दिया बाहर से मेरे हस्बैंड ने आके बताया बे ऐटी फाइव परसेंट बच्चों का पहला ड्रॉप था भूल गए क्या बेटाज मेरा ध्यान ना थोड़ा सा मेरे बेटे में है ज़रा सा ध्यान जो है क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार है और वो बेचारा रो रहा था और उसको रोते छोड़ते मैं क्लास में आई हूँ अभी तो थोड़ा सा ध्यान वहाँ है चलो कोई बात नहीं हाँ तो 85 परसेंट बच्चे ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उनका पहला ड्रॉप है अच्छा सही बात है तो जो पहले ड्रॉप वाले हैं इसका मतलब ये है कि वो भी कोचिंग नहीं करी उन्होंने भी सही है यार तो समझ में आ गया माने इस बैच में 85 परसेंट बच्चा पहली बार ड्रॉप कर रहा है और लगभग लगभग उनमें से पैंसठ बच्चा ऐसा है जिसने कभी कोचिंग नहीं करी सही है बेटा तो इसका मतलब इसका मतलब ऐसे बच्चे बहुत तादाद में हैं इस बैच में जिन्होंने पहले कभी कोचिंग नहीं करी तो भैया बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे भी और तुम्हें भी मैं समझ गई मुझे ए बी सी डी से ही शुरू करना पड़ेगा मुझे भी बहुत मेहनत करनी है बेटा मेरे और तुम्हें भी बहुत मेहनत करनी है थर्टी फाइव परसेंट बच्चा थर्टी थ्री परसेंट बच्चा लगभग पहले कोचिंग कर चुका है तो ठीक है कोई बात नहीं बेटा तुम भी बेसिक से शुरू करो अपनी ए बी सी डी और मजबूत करो चलो तो मैंने जान लिया बेटा तुम्हें मैंने अपने बैच को जान लिया है मैंने अपने बैच को पूरी तरह जान लिया है समरी दे देती हूँ मेरे इस बैच में लगभग 50 परसेंट बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं मेरे बैच में लगभग 50 परसेंट बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं मेरे बैच में 85 परसेंट बच्चे का पहला ड्रॉप है 5 परसेंट बच्चों का सेकंड या सेकंड से ज्यादा ड्रॉप है सॉरी मेरी गलती हो गई टेक्निकल प्रॉब्लम तीन बच्चा इलेवेंथ के साथ इस बैच में है और बाकी का बच्चा ट्वेल्थ के साथ इस बैच में है लगभग पैंसठ परसेंट बच्चा ऐसा है जिसने कोचिंग नहीं करी कभी और लगभग पैंतीस परसेंट बच्चा ऐसा है जो पहले कोचिंग कर चुका है तो मैं अच्छे से आज अपने बैच को जान चुकी हूं अब मैं इसी के हिसाब से आपको पूरे साल पढ़ाऊंगी और यह मेरा आपको वादा है कि कैसा भी बच्चा हो कोई निराश नहीं होगा इस बैच में सबको समझ में आएगा सब नीट क्लियर करेंगे बशर्ते आप मेहनत करो तो जादू की छड़ी नहीं घुमाऊंगी मैं चल आगे चलते हैं चल तुमने मुझे जान लिया मैंने तुम्हें जान लिया तुमने अपने सब्जेक्ट को जान लिया अब आ जाओ ये देखते हैं कि हम इस बैच में पढ़ेंगे कैसे इसका एक आइडिया लेते हैं आ जाओ तो फ्लो ऑफ लेक्चर देखते हैं किस तरह हम इस बैच में पढ़ेंगे तो सबसे पहले बेटा बैच में हम कवर करेंगे अपनी थ्योरी को आप जानते हो कि थ्योरी तो भैया पढ़नी पड़ेगी तो सबसे पहले हम सारी थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि मैडम जो है बोर्ड पे अपनी ही धुन में लिखे जा रही हैं समझाए जा रही हैं ऐसे नहीं पढ़ेंगे थ्योरी पहले मैं आपकी आंखों में आके डाल के आपसे आई कांटेक्ट बना के आपको समझाऊंगी काफी बच्चे ऐसा लिखते हैं कहते हैं ऑफलाइन कोचिंग में जब मैं थी तो काफी बच्चे ऐसा कहा करते थे कि मैडम लिखते लिखते ना समझ नहीं आता आप बोल भी रहे हो और हम लिख भी रहे हैं तो आधा ध्यान लिखने में रहता है और आधा समझने में रहता है तो ध्यान बट जाता है समझ नहीं आता और वही कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कहते थे कि मैडम आप बोलते रहते हो हम लिखते रहते हो तो हमें ज्यादा समझ में आता है हर तरह का बच्चा है लेकिन अधिकतर बच्चा ऐसा था जो कहता था कि लिखते लिखते नहीं समझ में आता मैम एक बार में एक ही काम कर सकते हैं मैं भी ऐसी हूँ एक बार में एक ही काम कर सकता भाई दो नहीं होते एक साथ तो ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें लिखे जा रही हूँ बोले जा रही हूं लिखे जा रही हूं बोले जा रही हूँ और तुम सुन भी रहे हो और लिख भी रहे हो मैं पहले तुमसे आई कांटेक्ट मेंटेन करके तुम्हें पूरी थ्योरी मुंह जबानी समझाऊंगी और उस दौरान तुम केवल एकाग्रता से उसे सुनोगे और कुछ नहीं करोगे एक अकेले कमरे में जहां कोई भी ना हो तुम्हारे आसपास कान में ईयरफोन लगा के जो मैं बोलूंगी तुम वो केवल सुनोगे कुछ नहीं करोगे उस दौरान उसके बाद समझाने के बाद फिर मैं लिखना शुरू कर और फिर तुम अपनी कॉपी उठाओगे और फिर केवल लिखोगे और लिखते लिखते याद करोगे ऐसा नहीं कि बस मैडम जो लिख रही है उसे छापते जाओ कॉपी भरते जाओ पोथे भरते जाओ नहीं तुमने सुन लिया मैंने जो बोला तुमने पूरी कंसंट्रेशन से सुन लिया अब तुम उसे लिख रहे हो तो बस लिखना नहीं है कि बस कॉपी भरनी है लिखते लिखते उसे याद भी करना है तो ऐसे हम थ्योरी कवर करेंगे पहले हम सिर्फ सुनेंगे समझेंगे फिर हम लिखेंगे और हम लिखते लिखते याद करेंगे और सुंदर सुंदर नोट्स क्लास में ही बनाएंगे कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले सुन लेते हैं नोट्स बाद में बना लेंगे और वो बाद कभी नहीं आता और फिर बाद में बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा हमें टाइम को बचाना है तो पहले सुनोगे समझोगे फिर नोट्स बनाओगे लिखते लिखते याद करोगे और नोट्स क्लास के क्लास में बनाओगे ये इस तरह से हम पढ़ेंगे फिर क्लास के क्लास में याद करना है ताकि जब तुम लेक्चर बंद करो तो तुम्हारे दिमाग में ये टेंशन न रहे कि बॉटनी फिर पढ़नी है बॉटनी जितनी पढ़नी थी लेक्चर में पढ़ ली मैडम ने पढ़ा दी हमने साथ साथ याद कर ली चलो तो फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल करेंगे ऐसा होना चाहिए बॉटनी का लेक्चर टने की टेंशन लेक्चर के लेक्चर में खत्म चलो थ्योरी कवर करने के बाद फिर क्या करूंगी फिर आई बात क्लास नोट्स की बच्चों को बड़ी टेंशन रहती है मैडम क्लास नोट्स कैसे बनाए अरे भैया क्लास के साथ बनाओ अभी बताया क्लास के साथ साथ क्लास के क्लास में ही नोट्स बनाओ और अगर किसी कारणवश तुम नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो उसके पीडीएफ फाइल जो है वो तुम्हारे बैच के अंदर तुम्हें मिल जाएगी मैंने जो कुछ स्क्रीन पर लिखा है उसकी पीडीएफ फाइल यानी कि वो एज इट इज नोट्स तुम्हें बैच में जाकर मिल जाएंगे नोट्स वाले सेक्शन में तो टेंशन खत्म नहीं भी बना पाए अपने नोट्स तो मैडम के नोट्स तो मिल ही जाएंगे लेकिन बेटा अपने खुद के नोट्स खुद बनाना क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई चीज ज्यादा समझ में आती है किसी दूसरे के हाथ के लिखी हुई चीज समझ नहीं आती ज्यादा चल अब हाईलाइट योर एनसीआर अब नोट्स के साथ साथ तुम्हें एन भी पढ़नी है और जो मैडम ने पढ़ाया उससे रिलेटेड एन में जो कुछ है वो हाईलाइट करके रखना है और हमारा मॉड्यूल भी है जिसके बारे में हमने तुम्हें लॉन्च में भी बताया था पी डब्ल्यू मॉड्यूल ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम्हें ये खरीदना ही है कोई हम यहाँ पे ऐसा कुछ ये प्रमोट नहीं कर रहे कि तुम्हें खरीदना ही है खरीदो नहीं ऐसा नहीं है तुम्हारी मर्जी है पर खरीदोगे तो चीज़ें स्मूद और बेहतर हो जाएंगी क्योंकि हम इसी पी डब्ल्यू मॉड्यूल से होमवर्क देंगे और इसी पी डब्ल्यू मॉड्यूल में थ्योरी भी होगी तो कई बार बच्चों को लगता है कई बार बच्चा जो बच्चा ऐसा भी होता है थोड़ा सन की कि टीचर ने जो क्लास में पढ़ा दिया लगता है बहुत नहीं है चलो पिछहत्तर जगह से ना मॉड्यूल मंगाता हूँ चलो एक्स इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल मंगाते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट से चलो वाई इंस्टीट्यूट का जो है मॉड्यूल भी मंगाते हैं उससे पढ़ेंगे अरे भाई जरूरत नहीं है यार जरूरत नहीं है जो मैं तुम्हें नोट्स बना के दूंगी ना अगर उससे बाहर नीट का पेपर आ गया ना अगर उससे बाहर नीट का पेपर आ गया ना जिस दिन नीट का पेपर डिस्कस करेंगे ना चैट बॉक्स भर देना मैडम क्या पढ़ाया था दो क्लास में तुम्हें नोट्स दूंगी ना मैं तुम्हें उससे बाहर नहीं आएगा नीट में उससे बाहर नहीं आएगा नीट में टेंशन खत्म हो गई तो एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट से स्टडी मटेरियल मंगाने की जरूरत नहीं है क्लास के नोट्स पढ़ने हैं एन पढ़नी है और अगर जरूरत महसूस हुई तो पीडब्ल्यू मॉड्यूल में जो हमारी थ्योरी है वो तुम पढ़ सकते हो और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनसे हम होमवर्क देंगे वो तुम कर सकते हो तुम्हारी इच्छा है खरीदना या ना खरीदना जबरदस्ती नहीं है चलिए नेक्स्ट चलिए थ्योरी हो गई नोट्स हो गए अब चलते हैं टेस्ट पे सबसे पहला टेस्ट जो बैच में होगा वो इक्कीसवे दिन पे होगा यानी कि अगर हमारा बैच आज से शुरू है तो आज से इक्कीसवे दिन पे तुम्हारा सबसे पहला टेस्ट होगा उसके बाद हर एक चौदह दिन पे हर एक फोर्टीन डे पे तुम्हारा टेस्ट लगातार बैच में होता रहेगा यानी कि हर एक फोर्टीन डे पर तुम्हारा एनालिसिस होता रहेगा और फिर कुछ समय बाद हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी चलिए जी अब कहानी आती है टेस्ट की इस पूरी कहानी में जो मेन किरदार है जो मेन एक्टर है जो हीरो जो हीरो है जो हीरोइनी है, हीरो ही है वो टेस्ट है बेटा वो टेस्ट है तुम कितनी मेहनत कर लो कितना समझ लो कितना पढ़ लो कितनी कॉपियां भर लो सुंदर सुंदर नोट्स बना लो पर अगर तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो या फिर टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहे हो तो वो तुम्हारा आईना है कि भैया कुछ तो है जो गलत हो रहा है अगर टेस्ट से भागोगे ना बेटा पूरे साल तो सिलेक्शन की गारंटी मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी बिल्कुल भी नहीं दूंगी चाहे कोई बच्चा कितना ही तीस मार्क खानो चाहे बारहवीं क्लास में उसके पिचानवे परसेंट मार्क्स आए हो अगर वो पूरे साल टेस्ट से भागेगा टेस्ट नहीं देगा उसकी गारंटी मैं नहीं दूंगी चाहे वो आइंस्टीन हो ये समझ जाओ ये जो चीज है ना बेटा ये इस पूरी पिक्चर में सबसे ज्यादा जरूरी तुमने पढ़ लिया नोट्स बना लिए टेस्ट तुमसे हो नहीं रहे नीट में जादू हो गया क्या नीट में तो टेस्ट ही आएगा तो पूरे साल आज के दिन से आज पहला दिन है आज के दिन से गांठ बना लो कुछ हो जाए चाहे बुखार हो जाए जुखाम हो जाए भैया कुछ भी हो जाए चैप्टर तैयार हो चाहे ना हो टेस्ट देना है कुछ बच्चे बहाना बना लेते हैं कि आज ना तबीयत ठीक नहीं थी चलो टेस्ट छोड़ देते हैं अरे आज ना यार तैयारी नहीं है यार चैप्टर पूरा याद नहीं हुआ चलो तो टेस्ट छोड़ देते हैं फिर ये आदत बन जाएगी पूरे साल टेस्ट छोड़ते रहोगे और नीट में कोई जादू की छड़ी घूमेगी नहीं जुखाम हो बुखार हो चैप्टर तैयार हो चाहे ना हो टेस्ट देना है मैं कह रही हूं कि पूरे कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल 180 क्वेश्चन पूरे पेपर में मैं कह रही हूं 180 क्वेश्चन में से तुम्हें 50 क्वेश्चन भी अगर आते हैं ना बेटा वो भी दो 180 क्वेश्चंस में से अगर तुम्हें 50 क्वेश्चन भी तुम मैं कह रही हूं बीस क्वेश्चन भी अगर तुम्हें आ रहे हैं ना वो भी जाके अटेम्प्ट करो मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे कोई बात नहीं माताजी और पिताजी को अपने टीचर्स को बता दो कि तबियत ठीक नहीं थी या किसी कारणवश तैयारी नहीं थी पहली बात तो तैयारी होनी चाहिए क्योंकि टेस्ट का प्लानर तुम्हें पहले ही मिल जाएगा तुम्हारे बैच में तुम्हें ये पहले से ही पता होगा कि फलानी डेट पे फलाना सिलेबस आएगा और इतना हमें तैयार करके रखना है तो पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि तुम्हारे टेस्ट की तैयारी हो ना और अगर किसी कारणवश तुम्हारे टेस्ट की तैयारी नहीं है तो भी तुम्हें टेस्ट देना है और अगर नंबर कम आए हैं माँ बाप पूछेंगे बेटा कितने नंबर आए हैं तो बताना है कि मम्मी पापा इतने नंबर आए हैं इस बार तैयारी नहीं थी अगली बार मैं अच्छा करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी इस बार मैनेज कर लो पर आप इस बात की शाबा, शाबाशी मुझे दे सकते हो कि तैयारी ना होने के बावजूद मैंने टेस्ट दिया अगर मैं आज ये टेस्ट छोड़ देता था ना मम्मी पापा तो ना मेरी आदत बन जाएगी और मैं गंदी आदतों को नहीं अपनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ आप ये अपने माँ बाप को बता सकते हो कई बच्चे माँ बाप के टीचर के डर से नहीं देते कि तैयारी नहीं थी गंदे मार्क्स आएंगे फिर जवाबदेही होगी नहीं बेटा जवाबदेही तुम्हारी तुम्हें खुद है तुम्हें किसी को इंप्रेस नहीं करना तुम्हें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना तुम्हें खुद को इम्प्रेस करना है खुद को प्रूव करना है कि तुम कर सकते हो और जब तुम ये कर दोगे ना तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा हरेक टेस्ट को हरेक टेस्ट को ऐसे समझ के चलना कि ये आज मेरा नीट का पेपर है हर एक टेस्ट को ऐसे समझ के चलना कि ये मेरा नीट का पेपर है और उसमें मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है तुम्हें पूरे साल अपना जो टेस्ट का स्कोर मेंटेन रखना है वो 600 या 600 के ऊपर होना चाहिए जितने भी टेस्ट तुम दोगे क्लास में उसमें स्कोर अगर तुम्हें सिलेक्शन के दायरे के अंदर आना है अगर तुम्हें सिलेक्शन की बाउंड्री के अंदर आना है तो तुम्हें पूरे साल 600 या 600 प्लस मार्क्स लाने हैं क्योंकि इससे नीचे बेटा सिलेक्शन नहीं होता है 600 से नीचे सिलेक्शन नहीं होता है और अगर पूरे साल तुम क्लास में 600 या 600 प्लस नंबर ला रहे हो तो तुम्हें कौन रोक देगा सिलेक्शन से लेकिन अगर तुम पूरे साल टेस्ट में 300 नंबर ला रहे हो और तुम सोच रहे हो कि नीट वाले दिन कोई जादू की छड़ी घूम जाएगी और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसा नहीं है जितने मार्क्स तुम क्लास टेस्ट में स्कोर करोगे उससे प्लस माइनस टेन तुम्हारे नीट में नंबर आएंगे समझ जाना अगर तुम पूरे साल तीन मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो नीट में या तो तुम्हारे दो आएंगे या तीन आएंगे इसका मतलब ये टेस्ट तुम्हारा आईना है तो पूरे साल तुम्हें दिखाते रहेंगे भैया इतने पानी में हो तुम सुधार लो खुद को वरना लंका लग जाएगी आ गई बात समझ में आ गई बात समझ में तो बेटा मेरे पूरे साल गांठ बांध लो टेस्ट देने हैं अच्छा परफॉर्म करना है और टेस्ट देने से और भी क्या फायदे होते हैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आएगा और तुम्हें यह समझ में आएगा हर एक बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग होती है किसी को बायो करना पहले पसंद होता है किसी को फिजिक्स करना पहले पसंद होता है किसी को केमिस्ट्री करना पहले पसंद होता है तो खुद को जानो कि तुम कौन सा सब्जेक्ट पहले करके टाइम से पेपर पूरा कर दे रहे हो तुम्हें तो अभी खुद को जानना है यह एक साल तुम्हें खुद को जानने में लगाना है मैं फिजिक्स पहले करूं तब मेरा पेपर अच्छे से कंप्लीट हो जा रहा है या मैं केमिस्ट्री पहले करूं या मैं बॉटनी पहले करूं या मैं जोलॉजी पहले करूं पहले खुद को जानो टाइम को मैनेज करना सीखो ये सब तुम्हें टेस्ट से समझ में आएगा सवाल को पूरा पढ़ो कुछ बच्चे क्या करते हैं सवाल को आधा पढ़ते हैं और उछल जाते हैं। ओए होए होए मजा आ गया हमें तो ये सवाल आता है अबे जहां तूने सवाल छोड़ा है ना वहां से आगे सवाल के मायने बदल गए सवाल पूरा पढ़ना है शुरू से लेके आखिरी तक और कई बच्चे शुरू के दो ऑप्शन पढ़ के खुश हो जाते हैं ओ हो जवाब तो इसमें से ही बनेगा ये जरूरी नहीं है कि चार ऑप्शन में से एक सही और बाकी तीन गलत हो ऐसे भी सवाल आते हैं जहां पे चारों तुम्हें सही लगेंगे और तुम्हें सबसे सही ढूंढ के निकालना होगा तो उसके लिए तुम्हें चारों ऑप्शंस पढ़ने होंगे तो टेस्ट के दौरान शुरू से लेके आखिरी तक पूरा सवाल पढ़ना है जल्दीबाजी नहीं करनी आधा सवाल पढ़ के छोड़ना नहीं है और ऑप्शन चारों पढ़ने हैं और फिर जवाब देना है सिली मिस्टेक नहीं करनी जल्दीबाजी नहीं करनी और टेस्ट को और सवाल को पढ़ना सीखना है कई बच्चों को तो टेस्ट जो सवाल होते हैं उनकी भाषा ही समझ नहीं आती उन्हें यही समझ नहीं आता कि सवाल पूछ क्या रहा है अगर तुम्हें यह समझ में आ जाता है ना कि सवाल क्या कह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है आधा सवाल वही हो जाता है तो यह सब तुम्हें कैसे समझ में आएगा टेस्ट से तो टेस्ट देना बेहद जरूरी है और अगर तुम पूरे साल टेस्ट दे रहे हो और उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो गांठ तो मैं तुम्हें गारंटी से बता सकती हूँ ना तो तुम्हें डिप्रेशन होगा ना तुम कभी भी डिमोटिवेटेड फील करोगे और ना ही तुम्हें डर लगेगा चलिए अब बात आती है एनसीआरटी आजकल तो सभी एनसीआरटी एनसीआरटी चिल्ला रहे हैं हम तो बहुत सारी किताबें पढ़ा करते थे आज की तारीख में बस एक किताब है जिसपे तुम्हें आग बंद करके भरोसा करना है और वो है एनसीईआरटी लेकिन एनसीआरटी सबको पढ़नी नहीं आती हमें नहीं आती आज तक यार हमें आज तक, हमें आज तक सीख रहे हैं एनसीईआरटी को पढ़ना फिर भी बच्चे हो तो एनसीआर क्या लिखा है रीड लाइक एन एग्जामिनर तुम्हें एनसीआर को एक स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ना है उसे एक एग्जामिनर की तरह पढ़ना है कई बार हम क्या करते हैं किताब खोली किताब खोली दस लाइने पढ़ी सेकेंड लाइन पे दिमाग चला गया और मम्मी तो आज आलू गोभी की सब्जी बनाएंगी फोर्थ लाइन पे दिमाग चला गया यार केमिस्ट्री में नो वाले क्वेश्चन भी करने थे सिक्स लाइन पे दिमाग कहीं और चला गया तो तुम्हारे हिसाब से तुमने कितनी लाइन पढ़ ली तुम्हारे हिसाब से तुमने टोटल दस लाइनें पढ़ ली लेकिन सही मायनों में तुमने चार लाइन भी ढंग से नहीं पड़ी लेकिन अगर वही तुम एनसीआरटी को एग्जामिनर की तरह पढ़ोगे एक पैराग्राफ पढ़ोगे और उस एक पैराग्राफ में से ये बना लो कि मुझे इस पैराग्राफ में से चार से पांच क्वेश्चन खुद के बनाने हैं तो है तुम्हारी आंखों से एक भी लाइन छूट जाए लाइन तो छोड़ो मजाल है तुम्हारी आंखों से एक वर्ड भी छूट जाए तो बेटा तो बेटा ध्यान से सुन लो एनसीआरटी एग्जामिनर की तरह पढ़नी है अपनी चार कॉपी बना लो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी ज़ुलॉजी और उसके ऊपर लिख दो सेल्फ मेड क्वेश्चन फ्रॉम एनसीआरटी एनसीआरटी से ये हमारे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं जब भी एनसीआर खोलो पढ़ने बैठो वो कॉपी अपने बगल में खोलो एक पैराग्राफ पढ़ो सारी लाइंस पढ़ो और उन लाइंस में से साथ साथ अपने खुद के क्वेश्चंस बनाओ मैच द कॉलम रीजन असर्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खुद से बनाओ फिर देखना एनसीआर पढ़ने में कितना मजा आएगा बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगी और पूरी एनसीआर जो है तुम्हें याद हो जाएगी चलिए हर एक लेक्चर जब खत्म होगा कुछ बच्चे लिख रहे हैं मैम बस बहुत हो गया ज्ञान अब आगे चलो नहीं बेटा ज्ञान बहुत नहीं हुआ मैं कुछ भी यहाँ बकवास नहीं कर रही हूँ और टाइम पास नहीं कर रही हूँ सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो पूरे साल तुम्हारी मदद करेंगी तुम्हें नहीं लेना तो तुम जा सकते हो कल की क्लास में आ जाना या फिर अभी पाँच सात मिनट बाद मैं सेल शुरू करूंगी तब आ जाना अभी के लिए तुम जा सकते हो बेटा कुछ और कर लो जरूरी जिनको लग रहा है बहुत ज्ञान हो गया मैडम टाइम पास कर रहे हो वो थोड़ी देर के लिए बेटा अभी जा सकते हैं थोड़ी देर बाद आ जाए जब मैं सेल चैप्टर सेल को शुरू कर दूँगी पाँच सात मिनट बाद तब तो कुछ और ज़रूरी कर लो बहुत जरूरी होता है तुम्हारे लिए बहुत और भी बात बहुत काम होंगे इंस्टाग्राम चलाना होगा है ना इधर उधर बातचीत करनी होगी तो तुम जाके कर सकते हो यहां कुछ अभी बहुत जरूरी चल रहा है जो पूरे साल की नींव है मकान तो तब बनाओगे बेटा जब नींव मजबूत होगी नींव को कच्चा छोड़ दोगे तो मकान कैसे बनेगा चल आ जा रिविजन पॉडकास्ट एक लेक्चर के बाद हर एक लेक्चर के बाद जितना मैंने लेक्चर में पढ़ाया वो लेक्चर खत्म होने से पांच मिनट पहले मैं तुम्हें पॉडकास्ट की फॉर्म में दे दू दे दूंगी माने के अगर तुम ये चाह रहे हो कि आज का जो लेक्चर है वो हम फटाफट से पांच से दस मिनट में रिवाइज कर ले पूरा लेक्चर अगर हमें नहीं देखना है तो तुम लास्ट के पांच मिनट में कानो में ईयरफोन लगा के वो सुन सकते हो क्योंकि मैं जो मैंने पूरे लेक्चर में पढ़ाया होगा पांच मिनट में वो पूरा आउट उस पॉडकास्ट में कवर कर दूंगी फिर उसके बाद जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पूरे चैप्टर का एक रिवीजन पॉडकास्ट तुम्हें मिलेगा यानी कि पूरा चैप्टर मेरी आवाज में तुम्हें मिलेगा जिसमें तुम आंखें बंद करके ईयरफोन कान में लगा के लगभग आधे से चाल, आधे घंटे से चालीस मिनट में पूरा लेक्चर एक ऑडियो फॉर्म में रिवाइज कर लोगे वो तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो कर सकते हो खाना खाते हुए कान में ईयरफोन लगाओ तो रिवाइज कर सकते हो मैगी खाते हुए रिवाइज कर सकते हो तो तुम्हें हर एक चैप्टर के बाद रिविजन पॉडकास्ट भी मिलेगा चलिए नेक्स्ट अब बात आते हैं कि बच्चों की बायोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है मैं तुम्हें बता दूं कि दो स्लाइड्स और बची हैं ज्ञान की ज्ञान की दो स्लाइड्स और बची हैं फिर उसके बाद हम सेल को डिस्कस करने वाले हैं तो थोड़ा सा ज्ञान ले लो बेटा जरूरी है बहुत काम आता है क्या क्या दिक्कत आती है बच्चों को बायोलॉजी ना मैडम याद नहीं होती याद हो जाती है तो याद रहती नहीं कुछ बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है ये तो हो गया अंडर कॉन्फिडेंस याद होती नहीं हो जाती है तो याद रहती नहीं ऑल द अंजेलियंस शुड अंडरस्टैंड दिस और ओवर कॉन्फिडेंस कुछ बच्चों को खासकर उन बच्चों के साथ होता है जो सेकेंड ड्रॉप लेते हैं बायोलॉजी ओफेंड मत होना बेटा मैंने ये नहीं बोला कि सारे बच्चे ऐसे होते हैं ओफेंड मत होना लेकिन काफी बच्चों में बायो को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि बायो कोई पढ़ हम नहीं टीचर भी काफी टीचर भी इस इस चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं कि बायो भी कोई पढ़ने का सब्जेक्ट है यार थ्योरी है लास्ट के दो महीने में याद कर लेना बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दो जो लॉजिकल है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तीन सौ नंबर की अकेली बायो आती है और मेडिकल कॉलेज में जाके तुम्हें बायो ही पढ़नी है चाहे वो बोरिंग हो चाहे याद होती हो चाहे ना होती हो रहती हो याद चाहे ना रहती हो भैया तुम्हें आगे बायो ही पढ़नी है तो जिन बच्चों को बायो में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कर लेंगे लास्ट के दो महीने में थ्योरी तो रट लेंगे तो बेटा लंका लग जाती है ओवर कॉन्फिडेंस में अब बात आती है कि जिनको याद नहीं रहती तो उनको अब याद होगी तुम्हें इस बैच में बॉटनी इस तरह से पढ़ाई जाएगी कि तुम्हें सब याद होगा सब याद रहेगा और अगर तुम्हें दिक्कत होती है कुछ चीजों को याद रखने में तो तुम ये करोगे ये करोगे इस तरह के छोटे छोटे चार्ट पेपर खरीदोगे जो भी चीजें तुम्हें याद नहीं रहती एग्जाम्पल्स याद नहीं रहते या कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते उन चार्ट पेपर पे लिखोगे और अपने कमरे में लगा लोगे इधर उधर आते जाते उनको देखते चलोगे और तुम्हें याद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो तुम्हें याद रहेंगे हमेशा हमारी जो आंखें होती हैं वो फोटो बना देती है हमारे दिमाग पे तुम्हारे रूम सारे रूम में चार्ट पेपर लगे हुए हैं और तुम रोज उन्हें देख रहे हो खाते सोते नहाते तुम्हारी आंखें ना वो फोटो रोज खींच रही हैं तुम्हारे दिमाग में तो तुम्हें बिना मेहनत करे बिना एफर्ट डाले ही वो चीज याद रहेगी तो ये काम कर लेना ठीक है दूसरी चीज जब एक सुंदर सा गाना सुनते हो कभी उसे लिख के किताब पे उसके लिरिक्स रट्टे मारे हैं आज तक नहीं मारे ना वो खुद याद हो जाता है दो तीन दिन में गुनगुनाने लगते हो क्यों क्योंकि दिमाग ने एंजॉय किया दिमाग ने एंजॉय किया उसे सुनते हुए खुद तो याद हो गया ऐसे ही जब अपने सब्जेक्ट को एंजॉय करोगे खुश होकर पढ़ोगे तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब याद हो जाए कोई सब्जेक्ट रटने वाला नहीं होता है बेटा हर चीज समझने वाली होती है और अगर तुम उसे खुश होकर समझ रहे हो सब याद रहता है और मोर ओवर नीट का एग्जाम यूपीएससी का एग्जाम नहीं है जहां पे तुम्हें सब्जेक्टिव पेपर लिखना है ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है अगर तुमने कोई चीज पढ़ी है समझी है उसमें इंटरेस्ट लिया है तो जब तुम सवाल पढ़ोगे और चार ऑप्शंस देखोगे तो तुम्हें खुद ब खुद याद आ जाएगा रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है चलिए आगे आते हैं प्रॉब्लम्स विद स्टूडेंट्स अक्सर नीट की तैयारी करने वाले बच्चों में क्या दिक्कत क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है कंसिस्टेंसी। शुरू के दो महीने जब बैच शुरू हुआ सारे सारे. करना बेटा पूरे साल मेहनत से पढ़ो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो ये नहीं कि भैया एक दिन तो बहुत ही जो है गिल्लियां उखाड़ दी बहुत पढ़ लिए अगले दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़े नहीं पूरे साल थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी से पढ़ो स्ट्रेस अगर तुम अपना काम बखूबी कर रहे हो मेहनत से पढ़ रहे हो टेस्ट दे रहे हो ध्यान से सुन और समझ रहे हो तो ये बिल्कुल भी नहीं होता डीमोटिवेशन बिल्कुल नहीं होता अगर अपना काम अच्छे से कर रहे हो कंसंट्रेशन पुअर कब होती है जब तुम कोई काम जबरदस्ती करते हो बेटा ऐसे सारे बच्चे जो अपनी मर्जी से नीट की तैयारी कर रहे हैं और खुश होकर कर रहे हैं उन्हें पुअर कॉन्सेंट्रेशन की दिक्कत कभी नहीं होगी लेकिन ऐसे सारे बच्चे जो जबरदस्ती तैयारी कर रहे हो बेटा पहली बात तो ये मत करो आज ही इस चीज को छोड़ दो जिसमें तुम्हारा मन है वो काम करो जबरदस्ती कोई काम नहीं होता लेकिन अगर फिर भी तुम करना चाहते हो तो इंजॉय करके करो पुअर कॉन्सेंट्रेट कभी नहीं होगा ठीक है चलिए तो बेटा पूरे साल लग के मेहनत करनी है स्ट्रेस नहीं लेना डिमोटिवेट नहीं होना ये दोनों चीजें तब आती हैं जब तुम लगातार मेहनत नहीं करते हो और अपना काम बखूबी नहीं निभा रहे हो तब ये पिक्चर में आती हैं। इन्हें पिक्चर में आने ही मत दो चलिए अब शुरू करते हैं लेक्चर को और एक चीज ध्यान रखना बेटा ये लाइन मुझे बहुत पसंद है एड्युकेशन शुड मेक यू चिल नॉट किल शिक्षा तुम्हें मारने के लिए नहीं होती है शिक्षा तुम्हें डिप्रेशन नहीं देती है शिक्षा तुम्हें स्ट्रेस नहीं देती है शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए और खुश करे तुम्हारी पर्सनालिटी को चमकाए अगर तुम शिक्षा की वजह से एडुकेशन की वजह से डिप्रेस हो रहे हो प्रेशर्ड फील कर रहे हो इसका मतलब तुम कुछ और ही कर रहे हो बेटा राइट right? चलिए तो इस शिक्षा की वजह से परेशान मत होना जो काम करो पूरे मन से करो वरना जाने दो वैसे भी बेमन के चीजों के सफलता किसे मिली है अगर आज की तारीख में मन बना लो नीट की तैयारी करनी शुरू कर दी है तो अब उसे पूरे मन से करना है अगर बेमन करोगे तो आज ही लिख के ले लो सफलता नहीं मिलनी सफलता उसी चीज में मिलेगी जो पूरे मन से करोगे पूरे खुश होकर करो। चलो बेटा चलते हैं आगे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी तुम्हें बैच में दिया जाएगा तीन घंटे की मूवी देख कर आते हो वहाँ पे जो है कलरफुल फाइट भी होती है गाड़ियाँ हवा में उड़ भी रही होती हैं एक सुंदर सी एक्ट्रेस नाच भी रही होती है एक्टर भी डोले शोले बना के तुम्हारे सामने खड़ा होता है उस तीन घंटे की मूवी में बोर हो जाते हो फिर ये तो जो है क्या होगा लेक्चर होगा इसमें तुम बोर हो गए कभी कभी शायद मैं भी पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाऊँ तो थोड़ा एंटरटेन में भी एंटरटेनमेंट भी क्लास में करेंगे वो कैसे करेंगे वो बैच में पता चलेगा ज़रूरी है भाई ज़रूरी है थोड़ा बहुत गाना गा देंगे तुम्हारे लिए कभी कभार जब इच्छा होगी बाकी नाच के तो नहीं दिखाएंगे कूद के नहीं दिखाएंगे चिल्ला ज्यादा चिल्ला नहीं सकते बाकी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कभी कभार तुम्हारा कर दिया करेंगे जो जरूरी है लाइफ में भी जरूरी है चलिए थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर लिया करना बेटा डेली बेसिस पे दस मिनट कूद लिए नाच लिए एक्सरसाइज कर लिए बैडमिंटन खेल लिया क्यों क्योंकि उससे रिलीज होता है डोपोमिन जो कि एक न्यूरो है तुम जानते हो अगर तुम सारा दिन बैठे रहोगे तो खुद ही डिप्रेशन और एंगजाइटी होने लगती है ये डोपामीन की कमी की वजह से हम लो फील करते हैं डिप्रेस्ड फील करते हैं और ये डोपामीन क्यों कम होता है हमारी बॉडी में जब हम सारा दिन बैठे रहते हैं थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए वो किसी भी रूप में तुम कर सकते हो पाँच से दस मिनट ये गांठ बांध लो खेलना है डांस कर लो बैडमिंटन खेल लो फुटबॉल खेल लो जो तुम्हारी इच्छा है अगर पूरे साल खुश रहना है और कॉन्सेंट्रेशन से अपना काम करना है चलिए जी आप चलते हैं चैप्टर पर सेल एंड इंट्रोडक्शन तो वो सारे बच्चे जो चार्ट में लिख रहे थे कमेंट सेक्शन में कि मैम ज्ञान मत दो फटाफट से स्टार्ट करो तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं वो बच्चे वापस आ सकते हैं तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इस बैच में हम किस तरह पढ़ने वाले हैं पूरे साल आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है आप चालू करते हैं अपने कंटेंट को जिसमें सिर्फ ज्ञान देने में मैडम में दम नहीं है कंटेंट में भी दम है चलिए तो सेल को डिस्कस कर लेते हैं जाओ सेल क्या है बच्चा बच्चा जानता है अब यहां से सुन लो सारे यहां से अब हमारी पढ़ाई होती है शुरू तो करते हैं शुरुआत नहीं सारे बच्चे एबीसीडी से शुरू करेंगे एंड तक जाएंगे तो आ जाओ सबसे पहले सेल को समझ लेते हैं अगर बॉटनी कॉपी बना ली है तो बहुत बढ़िया बात है नहीं बनाई है तो कल तो जरूर बना लेना ठीक है आज वैसे बहुत ज्यादा नोट्स होंगे भी नहीं चलिए बेटा सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल को क्या है सेल नाइन्थ क्लास में टेंथ क्लास में इलेवेंथ क्लास में सेल को लेकर तुमने एक परिभाषा पढ़ी है एक डेफिनेशन पढ़ी है दैट सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ माने कि अगर मैं जीवन की बात करूं मैं लाइफ की बात करूं तो उसका जो बेसिस है वो सेल है अगर किसी के पास एक प्रॉपर सेल नहीं है तो आप उसे जीवित उसे लिविंग मानते ही नहीं हो माने अगर आपको किसी को लिविंग डिक्लेयर करना है यह बताना है कि हाँ भाई ये जीवन है यह लाइफ है तो उसके पास कम से कम एक सेल तो होना चाहिए राइट तो आ जाइए देखते हैं बेटा कि सेल को हम क्या कहते हैं सबसे पहले लिखते हैं सेल को हम क्या कहते हैं सेल को हम कहा करते हैं ट इट इज द स्ट्रक्चरल एंड जिन बच्चों ने कॉपी बना रखी है वो मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यूनिट ऑफ लाइफ अब इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं इसको थोड़ा और समझते हैं कि हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं और हम इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं आज समझते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ़ लाइफ इसलिए कह रहे हैं बेटा कि धरती पे जितने भी प्राणी हैं जो जिंदा है जो तो है, तो लिविंग हैं उनके पास सेल होता ही होता है ऐसा कोई जीवित प्राणी धरती पर नहीं है जिसके पास सेल ना हो इसका मतलब कि सेल तो शुरुआत है सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं और टिश्यू सिस्टम मिलकर ऑर्गन बनाता है फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है माने के बेटा जितने भी प्राणी हैं सबके पास सेल तो है तो इस लिहाज से, सेल कैसी यूनिट हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट यानी के लिविंग ऑर्गेनिजम का स्ट्रक्चर बनाने में उसका मेन हाथ है वही तो नीव है वही तो बना रहा है सारी चीजों को अब एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम वायरस की क्या कहानी है बेटा वायरस जो होता है ना उसके पास एक सेल होता ही नहीं है आप सब जानते हो वायरस क्या होता है वायरस है डीएनए प्लस प्रोटीन कोट जेनेटिक डीएनए या आरएनए। जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोट इज वायरस और उसके पास कुछ नहीं होता उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है सेल ऑर्गनलीज नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है यानी कि वायरस के पास एक प्रॉपर सेल नहीं है तो क्या मैं उसे लिविंग कह सकती हूं वायरस को हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वो प्रॉपर एक लिविंग बींग नहीं है वो प्रॉपर एक लिविंग एंटिटी नहीं है क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर सेल नहीं है अगर किसी के पास एक प्रॉपर सेल नहीं होता आप उसे लिविंग एंटिटी नहीं कह सकते वायरस लिविंग एंटिटी नहीं है पूरी तरह लेकिन हाँ उसमें दो चीजें ऐसी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है जेनेटिक मटेरियल का होना और प्रोटीन कोट का होना और इन्फेक्शन करना ये हम डिटेल में वायरस में पढ़ेंगे हां यह बात सच है बेटा कि वायरस को आप सही मायनों में लिविंग नहीं कह सकते क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर सेल नहीं होता इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग तो इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स वेदर यूनिसेलर और मल्टी सेलर एक यूनिसेल्युलर प्राणी में यूनिसेलर प्राणी कैसा होता है जिसके पास एक ही सेल हो जैसे बैक्टीरिया जैसे अमीबा जैसे युगलीना इनके पास एक ही सेल है इनकी बॉडी में एक ही सेल है तो उनकी भी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है सेल है और हम जैसे जो मल्टी सेलर हैं, है हमारी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो भी सेल है सो स्ट्रक्चरल यूनिट हम उसे क्यों कह रहे हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट प्रेजेंट इन ऑल Living organisms, whether unicellular or multicellular, whether unicellular or multicellular. यानी कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में भी और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में भी सबका स्ट्रक्चर कौन बनाता है बेटा सबका स्ट्रक्चर बनाने वाला सेल है अब बात आती है मेरे साथ साथ लिख लिया सबने बेटा धीरे धीरे लिखूंगी बहुत तेजी से नहीं लिखूंगी ताकि तुम लोग भी मेरे साथ साथ नोट्स बना सको ठीक है आज का पीडीएफ मिलेगा हां बेटा आज का पीडीएफ मिलेगा चलिए अब फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं बेटा सेल एक फंक्शनल यूनिट है एक बच्चा लिख रहा है इसलिए फंक्शनल यूनिट है मैम क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है बिल्कुल सही बात है बेटा वेरी गुड बिल्कुल सही बात है देखो ध्यान से सुनो हम इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं एक अकेला सेल अगर आप उसको ऐसे अकेला छोड़ दो अकेला सेल तो क्या वो खुद को जिंदा रख सकता है बिल्कुल रख सकता है क्योंकि एक सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है उसके अंदर सारे फंक्शन होते हैं बेटा एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो एटीपी को स्टोर कर सकता है राइट right? एक सेल के अंदर अगर आप उसे खाना दे रहे हो अगर आप एक सेल को प्रॉपर खाना दे रहे हो तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि एक सेल के अंदर एक सिंगल सेल के अंदर रेस्पिरेटरी रिएक्शंस भी होती हैं एक्सक्रीटरी रिएक्शंस भी होती हैं हर तरह की रिएक्शन एक सिंगल सेल के अंदर हो सकती है यानी कि एक सिंगल सेल के अंदर सारे फंक्शन होते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है क्योंकि एक सिंगल सेल अगर तुम उसे भाई सेल को जीने के लिए खाना चाहिए सिंपल सी बात है अगर तुम उसे मीडियम में खाना प्रोवाइड कर रहे हो तो एक सिंगल सेल इंडिपेंडेंटली जी सकता है और अगर वो प्लांट का सेल है तो उसे खाने की भी जरूरत नहीं है वो अपना खाना भी खुद ही बना सकता है यानी कि एक सिंगल सेल सारे फंक्शंस करने के लिए सक्षम है सारे फंक्शंस करने के लिए एबल है इसीलिए उसे हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं मेरी बॉडी में जितने भी फंक्शंस चल रहे हैं वो सेल्स मिलकर ही तो कर रहे हैं वो सारे लिवर के जितने सेल्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं जूस सिक्रेशन में और डिफरेंट uh, uh, जो है ये uh, कंपाउंड्स uh, बनाने में राइट right, मेरे जो किडनी के सेल्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं एक्सक्रीशन में तो सेल्स ही तो मिलकर सारे काम कर रहे हैं यानी कि एक सिंगल सेल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है इसीलिए हम उसे कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कह, कहते हैं बिकॉज कैन परफॉर्म मेरे साथ साथ लिखो बेटा मेरे साथ साथ लिखो मैं बोलती जा रही हूं मेरे साथ साथ लिखते जाओ सुन लिया समझ लिया अब मेरे साथ साथ लिखो आ जाओ और लिखते लिखते याद करो कैन परफॉर्म वो परफॉर्म कर सकता है ऑल असेंशियल फंक्शंस कैन परफॉर्म ऑल असेंशियल फंक्शंस एक सेल जो है वो सारे असेंशियल माने जरूरी सारे जरूरी जो काम काज हैं जो सारे जरूरी फंक्शन हैं वो परफॉर्म कर सकता है अकेला यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सेल की इट कैन हैव इट कैन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इट कैन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मुझे उम्मीद है स्टेट बोर्ड वालों को और इंग्लिश मीडियम वालों को सबको समझ में आ गया सबको समझ में आ गया इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर हैं चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे वो मल्टी सेलर हो सबके पास एक सिंगल सेल तो होता ही होता है माने धरती पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसे बेसिक स्ट्रक्चर बनाने वाला कौन है सेल है उसे हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो एक सेल परफॉर्म कर सकता है और एक सेल इंडिपेंडेंटली खुद को जिंदा रख सकता है और जब ऐसे सारे सेल्स का मिलकर गुच्छा बनता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में संभाल लेते हैं क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा ये समझ में आ गया जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं में कि सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया और मुझे समझ मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा चाहे स्टेट बोर्ड का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो बात समझ में आ गई बेटा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है बेटा कि वो अगर आप उसे इंडिपेंडेंटली एक अकेला सेल वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है वो खुद को जिंदा रख सकता है उसमें सारे जरूरी काम वो अपने खुद कर सकता है इसीलिए तो वो क्या है आज डीपीपी नहीं मिलेगी बेटा आज पहला वो है ना आज पहला लेक्चर है तो हम इतना सारा पोर्शन कवर नहीं कर पाएंगे तो आज डीपीपी आपको नहीं मिलेगी आपको डीपीपी कल से मिलेगी ठीक है बेटा चलिए आ जाइए तो ये समझ में आया और इसीलिए हम सेल को और क्या कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए हम सेल को एक चीज और कह देते हैं दैट इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है इसके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती इसीलिए क्योंकि वायरस के पास एक प्रॉपर सेल नहीं होता इसीलिए हम उसे सही मायनों में लिविंग एंटिटी कहते ही नहीं है हम उसे कनेक्टिंग लिंक कहते हैं लिविंग 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 और और नॉन नॉन के के बीच बीच में वो और के बीच की कुछ बात है बीच का कुछ एंटिटी है जो हम वायरस में डिटेल में डिस्कस करेंगे पर वो सही मायनों में लिविंग एंटिटी नहीं है क्योंकि उसके पास प्रॉपर सेल नहीं है बात समझ में आ गया बेटा बात समझ में आ गया मेरे बच्चों चलिए तो ये स्लाइड मुझे उम्मीद है सबने अच्छे से लिख ली है समझ ली है ठीक आगे चले चलिए तो सेल का एक ओवरव्यू समझ में आया मुझे मुझे समझ आया कि भाई सेल क्या होता है चलिए अब समझते हैं बेटा कि सेल कैसे बना नेचर में सेल की उत्पत्ति कैसे हुई सेल जो है वो अराइज कैसे हुआ अर्थ पे तो आप ये सब जानते हो कि लाइफ के लिए जो एक बहुत जरूरी चीज है वो है पानी इसीलिए तो हम मार्स पे पानी ढूंढ रहे हैं है ना तो लाइफ के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है पानी तो किस तरह से जो सेल है वो अराइज हुआ अर्थ पे आज वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो बेटा जी ऐसे समझो कि अर्थ पर ये पानी ही पानी था पहले हम जानते हैं अर्थ पे 75 परसेंट क्या है पानी है अब इस पानी के अंदर कैसे जीवन की शुरुआत हुई कैसे लाइफ की शुरुआत हुई तो सबसे पहले बेटा क्या हुआ कि ये जो पानी है इस पानी में बेटा इस पानी में ही कुछ चेंजेस आए इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब इसमें किस तरह की इसकी कॉम्पोजिशन होगी किस तरह के इसमें मटेरियल प्रेजेंट होंगे उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हुआ तो इसने एक सेमी फ्लूड लिक्विड बनाया जिसे हम कहने लगे साइटोसोल तो जब जीवन की शुरुआत होने लगी लाइफ की शुरुआत होने लगी तो इसी पानी से क्या बन गया इसी पानी से फॉर्म हो गया सबसे पहले साइटो सोल क्या बन गया बेटा साइटो सोल क्या है साइटोसोल आ जाओ समझते हैं साइटोसोल है एक सेमी फ्लूड मेट्रिक्स एक सेमी फ्लूड मैट्रिक्स माने थोड़ा गाढ़ा हो गया है यह लिक्विड थोड़ा गाढ़ा हो गया है और इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है थोड़ी चेंज हो गई है तो अब यह कहला रहा है साइटोसोल अब और आगे चीजों को जाना है तब जाके लाइफ की शुरुआत होगी और लाइफ की शुरुआत कब होगी जब एक सेल बनेगा तो कैसे एक सेल बना धीरे धीरे ये जो लिक्विड पार्ट है ये जो लिक्विड पार्ट है इसमें सेल ऑर्गेनलीज बनना शुरू हुई इसमें क्या बनना शुरू हुई सेल ऑर्गेनलीज बनना शुरू हुई बेटा ये क्या है दीज आर सेल ऑर्गेनलीज दीज आर सेल ऑर्गेनलीज सेल ऑर्गेनलीज आप जानते हो जो नहीं जानते समझो सेल ऑर्गेनलीज क्या होती हैं सेल के अंदर प्रेजेंट सेल के अंदर प्रेजेंट वो सारी एंटिटीज जिनका अपना एक स्पेसिफिक काम होता है उन्हें हम सेल ऑर्गेनलीज कहते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक स्पेसिफिक काम है रेस्पिरेशन करना क्लोरोप्लास्ट का अपना एक स्पेसिफिक काम है फोटोसिंथेसिस करना लाइसोजोम का अपना एक स्पेसिफिक काम है डाइजेशन करना तो इस तरह से इस लिक्विड के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनने लगे और वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स का अपना खुद का एक स्पेसिफिक काम था जिन्हें हमने क्या कहना शुरू कर दिया सेल ऑर्गेनलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट गॉल्जी अपेरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोजोम वैक्योल ये सारी क्या है बेटा ये सारी की सारी सेल ऑर्गेनलीज हैं अब जब इस लिक्विड लिक्विड पार्ट में सेल ऑर्गनलीज भी बनने लगी तो मैंने इसे क्या कहना शुरू कर दिया अब मैंने इसे कहना शुरू कर दिया साइटोप्लाज्म अब मैंने इसे कहना शुरू कर दिया साइटोप्लाज्म। अब कई जगहों पर साइटोसोल और साइटोप्लाज्म को एक जैसे मायनों में इस्तेमाल किया जाता है कई जगहों पर साइटोसोल और साइटोप्लाज्म को एक ही मायनों में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से समझेंगे तो इनमें थोड़ा अंतर है साइटोसोल क्या है साइटोसोल एक गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड है जिसमें अब सेल की सारी चीजें जन्म लेने वाली हैं तो ये जो साइटोसोल है ये एक गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड है ये एक सेमी फ्लूड मेट्रिक्स है जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन गए जिन्हें हम सेल ऑर्गनली के नाम से जानते हैं और हर एक सेल ऑर्गनली का अपना एक फंक्शन होता है जब इस लिक्विड लिक्विड सेमी फ्लूड पार्ट में ये सेल ऑर्गेनलीज भी आ गई तो मैंने इसे क्या कह दिया मैंने इसे साइटोप्लाज्म कह दिया जब इस लिक्विड लिक्विड पार्ट में सेल ऑर्गेलीज भी आ गई तो मैंने इसे क्या कह दिया साइटोप्लाज्म कह दिया आप कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम एनसीआरटी में तो लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म इज द सेमी फ्लूड इन विच वेरियस सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट एनसीईआरटी क्या कह रही है कि साइटोप्लाज्म एक ऐसा गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड है साइटोप्लाज्म एक ऐसा सेमीफ्लुइड मैट्रिक्स है जिसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं तो ये बात गलत तो नहीं है ये बात गलत तो नहीं है ना साइटोप्लाज्म में यह सेमीफ्लुइड मैट्रिक्स भी आता है साइटोप्लाज्म में यह गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड भी आता है और उस गाढ़े गाढे से लिक्विड में उस सेमी मैट्रिक्स मेट्रिक्स में जो सेल ऑर्गेलीज प्रेजेंट है वो भी साइटोप्लाज्म का हिस्सा है तो अगर खाली आप गाढ़े गाढ़े हिस्से की बात करो वो साइटोसोल है जब उसमें सारी सेल ऑर्गेनलीज भी प्रेजेंट है तो वो साइटोप्लाज्म बन जाता है तो हम ये कह सकते हैं दैट साइटोप्लाज्म इज द सेमी फ्लूड मेट्रिक्स इन विच द सेल ऑर्गेलीज आर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म एक ऐसा गाढ़ा-गाढ़ा सा लिक्विड है सेमी फ्लूड मेट्रिक्स है जिसमें सेल ऑर्गनलीज प्रेजेंट है और अगर तुम इसमें से सेल ऑर्गनलीज हटा दोगे तो ये क्या कहलाएगा ये साइटोसोल कहलाएगा और अगर इस लिक्विड लिक्विड में यानी कि साइटोसोल में सेल ऑर्गनलीज जोड़ दोगे तो ये साइटोप्लाज्म कहलाएगा चलिए अब ये सारी सेल ऑर्गेलीज अपना अपना काम कर रही हैं कोई फोटोसिंथेसिस कर रही है कोई रेस्पिरेशन कर रही है है ना तो इन सारी की सारी सेल ऑर्गेनलीज को हेड करने वाला इन सारी की सारी ऑर्गेनलीज को संभालने वाला जो इनको ठीक तरीके से चलाएगा ऐसा कोई हेड भी तो चाहिए जैसे घर में एक हेड होता है जो फैमिली को बनाता है तो उस हेड का नाम क्या है उस हेड का नाम है न्यूक्लियस तो अब पिक्चर में और कौन आ गया अब पिक्चर में आ गया न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस क्या है न्यूक्लियस को हम किसके नाम से जानते हैं न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल जो दिमाग है पूरे सेल का जो पूरे सेल को चला रहा है जो पूरे सेल की एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहा है रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है जो पूरे सेल की एक्टिविटीज को संभाल रहा है सबको आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है जब ये पिक्चर में आ जाता है तो मैं अब इसे कहने लगती हूं प्रोटोप्लाज्म। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है अब मैं इसे क्या कहने लगती हूं बेटा अब ये कहलाना शुरू होगा प्रोटोप्लाज्म अब मैं इसे प्रोटोप्लाज्म कहूंगी फिर ये स्ट्रक्चर हमारे सामने बनके तैयार हो गया लेकिन बेटा इसकी अपनी एक बाउंड्री तो है नहीं भाई हमारा घर होता है घर पे दरवाजा होता है ना प्रोटेक्शन के लिए कि भाई कोई चोर वोर ना जाए अंदर है ना ऐसे ही सेल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होनी चाहिए और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम किस नाम से जानते हैं उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को आप सब जानते हो हम प्लास्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं या सेल मेम्ब्रेन आप कह सकते हो ठीक है ना बेटा सेल मेम्ब्रेन या प्लास्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं अब जब ये भी आ गया पिक्चर में तो इसे मैंने क्या कहा इसे मैंने कहा प्रोटोप्लास्ट प्लास्ट प्रोटोप्लास्ट। बिल्कुल तंग मत होना बिल्कुल परेशान मत होना फिर से रिपीट करूंगी ये सब कुछ अभी एक सेकंड के लिए मैं स्लाइड से हट रही हूं आराम से सुकून से इस स्लाइड को देख लो मैं दो सेकंड तुम्हें दे रही हूं मैं पानी पी लूँ फिर इसे फिर से रिपीट करती हूं ठीक है देख लो इसको आराम से देख लिया बेटा देख लिया चलो आ जाओ जब मैं ये कमेंट्स पढ़ती हूँ ना मुझे बहुत मतलब मजा आता है कि कितने तरह की दुनिया कितने तरह की कितने तरह के लोग हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं, खुश होके थैंक यू बोलते हैं बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम सर में दर्द कर रहे हो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैडम बहुत हो गया ज्ञान मतलब हर तरह का बनता है मतलब मैं चार्ट देख के रिटेट नहीं होती तुम सबसे बकवास बात भी चैट में लिखोगे ना तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा मतलब मुझे मजा आएगा क्योंकि मुझे जानने को मिलता है कि कितने तरह के प्राणी इस पृथ्वी पर हैं एट्टी परसेंट बढ़िया है और बहुत तरह की वेरायटी मतलब सच्ची में मुझे गुस्सा नहीं आता जब मैं चार्ट देखती हूँ ना चाहे कितनी भी बकवास कितनी भी बकवास बात तुम लिख दो मतलब ये जानने को मिलता है हाँ भाई वेरायटी है दुनिया में भगवान ने हर तरह के प्राणी को धरती पर बनाया है सही लगता है मजा आता है चलिए आ जाइए तो आपने सुकून से इस स्लाइड को देख लिया होगा बेटा है ना देख लिया होगा स्लाइड से को सुकून से अब फिर से रिपीट करती हूं एक बार कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम डायग्राम बनाना है बनाने की इच्छा है तो बेटा बना लो है ना नहीं तो ऐसे समझ लो अभी मैं ये सारा मैंने लिखा है ना मैं इसको अगली स्लाइड पर तुम्हें टेबल की फॉर्म में भी समझाऊंगी डायग्राम इसलिए बना देते हैं ताकि जो है विजुअल से अच्छे से समझ में आता है आ जाओ अब कहानी की तरह सुनो पहले धरती पे केवल पानी हुआ करता था फिर उस पानी में जीवन की शुरुआत हुई और जीवन से लाइफ से हम क्या समझते हैं भैया जीवन और लाइफ से तो मुझे सेल समझ में आता है पर वो बना कैसे तो सबसे पहले साइटोसोल बना क्या बना बेटा साइटोसोल बना जिसे मैंने क्या कहा सेमी फ्लूड मेट्रिक्स मतलब ऐसा गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड बनके तैयार हो गया जिसमें अब जीवन की शुरुआत हो सकती है जिससे सेल बन सकता है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी थोड़ा चेंज हो गया फिर ये जो साइटोसोल है ये जो सेमी फ्लूड मेट्रिक्स है इसमें क्या बनकर तैयार हो गई सेल ऑर्गनलीज जो अपना अपना काम करना जानती हैं किसी को रेस्पिरेशन करना आता है किसी को फोटोसिंथेसिस करना आता है तो किसी को डाइजेशन करना आता है फिर इन सारी सेल ये एक परिवार सा बन के तैयार हो गया लेकिन इस परिवार को गाइड करने के लिए एक हेड भी तो होना चाहिए तो पिक्चर में न्यूक्लियस आ गया अच्छा एक बात और जैसे ही साइटोसोल में सेल ऑर्गेनलीज आ गई तो मैं उसे क्या कहने लगी बेटा मैं उसे साइटोप्लाजम कहने लगी फिर ये सारी सेल ऑर्गेनली को कंट्रोल करने वाला एक पिक्चर में एक नया बंदा आ गया जिसको हमने न्यूक्लियस कहा जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं जैसे ही साइटोप्लाज्म में जैसे ही साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस की एंट्री हुई तो वो क्या कहलाने लगा वो प्रोटोप्लाज्म कहलाने लगा जैसे ही साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस की एंट्री हुई वो क्या कहलाने लगा प्रोटोप्लाज्म फिर ये जो स्ट्रक्चर हमारा बनके तैयार हुआ है इसके चारों तरफ एक पतली सी प्रोटेक्टिव कवरिंग आ गई जो ये बता रही है कि ये एक सेल है ये बाकी दुनिया से अलग है और ये एक सेल है और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हमने सेल मेम्ब्रेन या प्लास्मा मेम्ब्रेन कह दिया आपको दिखाई दे रही है इसको एनसीईआरटी कह रही है इट इज अ थिन डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर एनसीईआरटी की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रही हूं अभी तो मैं वो बता रही हूं एक बैकग्राउंड सेट कर रही हूं एनसीईआरटी की तो एक एक लाइन एक एक शब्द को हम अभी लेक्चर में उधेड़ेंगे आगे आने वाले सारे लेक्स में उधेड़ेंगे एनसीईआरटी की तो डिटेल में जाएंगे अभी तो हम बेसिस बना रहे हैं बेटा राइट right, अभी तो हम बेसिस बना रहे हैं ठीक है थीके? तो अब मैंने इसको क्या कह दिया अब मैंने इसको प्रोटोप्लास्ट कह दिया क्या कह दिया बेटा प्रोटो प्लास्ट कह दिया ठीक जब इस पर सेल मेम्ब्रेन या प्लास्मा मेम्ब्रेन आ गई बात समझ में आ गई मेरे बच्चों बात समझ में आ गई अब अगला स्लाइड हटा दूं बेटा ये वाली स्लाइड हटा दूं समझ में आ गई अभी मैं ये सारा टेबल फॉर्म में लिखूंगे। अभी लिखूंगी अभी लिखूंगी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों प्रोटोप्लास्ट और सेल में क्या डिफरेंस होता है शिव्या पूछ रहा है बेटा टेंशन मतलब इतना बताओ कि इतना समझ में आ गया अभी मैंने खत्म नहीं किया अभी तो इसको रिलेटेड बहुत सारी बातें बताऊंगी फिर तुम्हारे सारे सवाल ठीक हो जाएंगे चलो आ जाओ सेल वर्सेस प्रोटोप्लास्ट भी बताऊंगी सेल और प्रोटोप्लास्ट में क्या फर्क होता है ये भी बताऊंगी बस अभी एक सेकंड मुझे दे दो चलो अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं अब देख क्या हुआ बेटा प्लास्मा मेम्ब्रेन है व्हाइट वाली यह व्हाइट वाली क्या है प्लास्मा मेम्ब्रेन है बेटा क्लास तीन बजे तक होगी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम क्लास कितने बजे तक होगी तीन बजे तक होगी कुछ मिनट्स और है अच्छे से खुश होके पढ़ लो फिर मौज काटना सुबह से तीन सुबह से तीसरी क्लास है मैं समझ सकती हूं तीन बजे तक क्लास है अच्छे से पढ़ लो फिर मौज काटना चलो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और एडिशनल लेयर तुम्हें दिखाई दे रही है इसे मैंने कहा सेल वॉल कई बार ऐसा भी होता है कि प्लास्मा के चारों तरफ एक और एडिशनल लेयर आ जाती है जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं और जब ऐसा हो जाता है तो एक प्लांट सेल कहलाने लगता है अभी सब समझाऊंगी इतना समझ में आया इतना समझ में आया इतना समझ में आ गया बेटा हाँ बेटा एनसीआरटी हाईलाइट कराएंगे पहले समझ तो ले एनसीआरटी तब समझ में आती है जब पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाता है एनसीआरटी की लाइन एंड में पढ़ते हैं चलो फिर से दिखाती हूं एक बार तुम्हें साइटोसोल बना सबसे पहले फिर साइटोसोल में क्या आई बेटा सेल ऑर्गनलीज आई फिर मैंने क्या कहना शुरू कर दिया इसको साइटोप्लाज्म कहना शुरू कर दिया फिर इस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस की एंट्री हुई तो मैंने इसे क्या कहना शुरू कर दिया मैंने इसे प्रोटोप्लाज्म कहना शुरू कर दिया फिर इस प्रोटोप्लाज्म पे प्लास्मा आई तो मैंने इसे क्या कहना शुरू कर दिया प्रोटोप्लास्ट कहना शुरू कर दिया फिर इस पे बेटा सेल वॉल भी आ गई तो अगर मैं एक सबसे एडवांस्ड सेल की बात करूं सबसे एडवांस्ड सेल वो मैंने तुम्हारे सामने अभी बनाया है अभी मैंने तुम्हारे सामने सबसे बेहतरीन कंडीशन तुम्हारे सामने बना के दिखाई है जरूरी नहीं है कि एक सेल हमेशा ऐसा ही हो वो कंडीशन भी अभी तुम्हारे सामने डिस्कस करूंगी लेकिन अभी जो मैंने तुम्हारे सामने बना के दिखाया है ये मैंने एक प्लांट सेल पूरा कैसे बनाया, ये समझाया तुम्हें देखो साइटोसोल से साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म से प्रोटोप्लास्ट और फिर आ गई सेल वॉल तो ये मैंने तुम्हें यह समझाया कि एक प्लांट सेल किस तरह से डेवलप होता है मैंने एक एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाया प्लांट सेल का एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाया अब मैं और डिफरेंसेस भी तुम्हें बताती चलूंगी अब मैं सारे डिफरेंसेस तुम्हें बताती चलूंगी टेंशन मत लो तुम्हें यह समझ में आया कि एक प्लांट सेल धरती पे कैसे बना एक प्लांट सेल धरती पे कैसे बना तुम्हें समझ में आ गया आप तुम बोलोगे मैडम आप प्लांट सेल को इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो आपने पहले एनिमल सेल क्यों नहीं बताया या आपने पहले बैक्टीरिया का सेल क्यों नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें बॉट नहीं पढ़ा रही हूँ और मैं तुम्हें बॉट नहीं पढ़ा रही हूँ तो मेरे लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी मेरा प्लांट है ना ठीक चलो बात समझ में आ गई सबको कहीं कोई दिक्कत साइटोसोल साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लास्ट और फिर सेल वॉल भी आ गई तो प्लांट सेल चलो भाई मैडम समझ में आ गई ये इतनी बात अब आप ये बताओ कि एक एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या फर्क होगा फिर और ये भी बताओ कि एक बैक्टीरियल सेल में क्या फर्क होगा फिर ठीक है बता देती हूँ पर उससे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ लिखना चाहूंगी वो ध्यान से सुनो और समझो एक टेबल टाइप का तुम्हारे लिए कुछ बनाना चाहूंगी पहले वो समझो फिर एनिमल सेल की कहानी बताऊंगी और फिर बैक्टीरियल सेल की कहानी बताऊंगी कि एनिमल सेल में एक सेल कैसा होगा बैक्टीरियल सेल का सेल कैसा होगा और बेसिक सा सेल का स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आएंगी फिर ये बताऊंगी ठीक है रेडी चलो तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया बेटा के साइटो लिखते चलो मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ लिखते चलो साइटोसोल प्लस साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गनलीज बताओ इसके सामने क्या लिखूं चैट बॉक्स में आंसर दो जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दो साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गनलीज़ इसको क्या लिखूं क्या बनेगा ये साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेलीस मिलकर क्या बनाएंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखो हाँ बेटा एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती बिल्कुल सही कह रहे हो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो यस साइटो सोल प्लस सेल ऑर्गेलीज क्या बन गया हमारा साइटो बन गया वेरी गुड जी चलो अब आगे चलते हैं अब बताना तुम आगे चैट बॉक्स में आंसर देना फटाफट से साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इस तरह का मैं ये टेबल क्यों बनवा रही हूं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन नीट में आ चुका है इसलिए मैं टेबल बनवा रही हूं बताओ बेटा चैट बॉक्स में आंसर लिख दो साइटोप्लाज्म में अगर मैं न्यूक्लियस जोड़ दूं तो क्या बनेगा बेटा सारे बच्चे फटाफट से लिखेंगे प्रोटोप्लाज्म कुछ बच्चे प्रोटोप्लास्ट लिख रहे हैं नहीं बेटा प्रोटोप्लास्ट अलग चीज है बाबू गलती मत कर अभी से ही गलती करने लग गया कैसे चलेगा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज प्रोटोप्लाज्म चलो फिर तीसरी चीज लिखते हैं प्रोटोप्लाज्म प्लस प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लास्मा मेम्ब्रेन अगर मैं प्रोटोप्लाज्म में प्लास्मा मेम्ब्रेन जोड़ दूं तो क्या बनेगा बाबू मेरे तो क्या बनेगा क्या बनेगा बेटा बताओ चैट बॉक्स में फटफट -फट से आंसर कर दो अगर हम प्रोटोप्लाज्म में प्लास्मा मेम्ब्रेन जोड़ दे तो क्या बनेगा बाबूजी जी यस तो बनेगा प्रोटोप्लास्ट अब बेटा जी अब मैं क्या कर दूंगी अब मैं प्रोटो प्लास्ट में जोड़ दूंगी क्या जोड़ दोगे मैडम अब प्रोटोप्लास्ट में हम सबसे बाहर वाली कवरिंग जोड़ देंगे सेल वॉल तो अब क्या बनेगा बच्चा पार्टी चैट बॉक्स में बता दो बेटा चैट बॉक्स में बता दो बेटा मेरे कि अब क्या बनेगा बॉक्स में लिख दो फटाफट से अगर मैं प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल जोड़ दूं, तो अब बनेगा प्लांट सेल सबको समझ में आ गया बेटा सारे टर्म्स का मतलब समझ में आ गया अभी मैंने कुछ नहीं बताया तुम्हें साइटोप्लाज्म के ऊपर पूरा लेक्चर होगा अभी मैंने तुम्हें सिर्फ यह बताया साइटोप्लाज्म में क्या आता है साइटोप्लाज्म में सेमी फ्लूड मेट्रिक्स आता है और उसमें पड़ी हुई सेल ऑर्गनलीज आती हैं साइटोप्लाज्म में इतना बताया बस अभी तो साइटोप्लाज्म के बारे में बहुत कुछ बताना है साइटोप्लाज्म इज द मेन ऑफ एरनालर एक्टिविटीज क्या उसके केमिकल बहुत कुछ बताना है अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें एक झलक एक दिखा रहे हैं कि हम कल के लेक्चर में और क्या करेंगे ये तो उसकी केवल एक झलक है तो अभी सिर्फ ट्रेलर तुम्हें मिल रहा है पूरी पिक्चर कल के लेक्चर में होगी क्लियर है साइटोप्लाज्म प्रोटो इन सबको डिटेल में देखेंगे बात समझ में आ गई बेटा चलो तो अब तुम्हें क्लियर है साइटोसोल किसे कहते हैं कई बच्चों कई बार बच्चों को इसी चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा साइटोसोल क्या होता है साइटोप्लाज्म क्या होता है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है प्रोटोप्लास्ट क्या होता है तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको ये सारे शब्द क्लियर हो गए अब मैंने डायग्राम बना के भी आपको समझा दिया अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो कि नीट में आया हुआ है इस स्लाइड से रिलेटेड तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन बच्चों को पीवाईक्यू का मतलब नहीं बता तो पहली बार कोचिंग कर रहे हैं पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले आया हुआ क्वेश्चन जिनसे हमें आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं तो पहले आया हुआ क्वेश्चन ये है अ प्लांट सेल प्लांट सेल विदाउट a प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड as एक प्लांट सेल जिसके पास सेल वॉल नहीं है एक प्लांट सेल जिससे आपने उसकी सेल वॉल हटा दी है सेल वॉल हटाने के बाद वो क्या कहलाएगा जैसे ही आपने एक प्लांट सेल से उसकी सेल वॉल निकाल दी बाहर से सेल वॉल हटा दी तो वो क्या कहलाएगा अब मैं यहां पे कुछ मजेदार ऑप्शन डाल रही हूं एक और ये रहे तुम्हारे ऑप्शन और मैं जनरेट कर रही हूं पोल थर्टी सेकेंड का मैंने पोल स्टार्ट कर दिया बेटा अपना आंसर लिख दो क्वेश्चन है ये अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड एज बताओ जल्दी से बताओ क्या आंसर इसका होना चाहिए प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लास्ट या एनिमल सेल तो चैट बॉक्स में काफी सारे बच्चे आंसर सी लिख रहे हैं चैट बॉक्स में काफी बच्चे आंसर डी भी लिख रहे हैं पोल का देख लेते हैं पोल का देख लेते हैं क्या रिजल्ट है तो 91 परसेंट बच्चे 91 परसेंट बच्चे आंसर दे रहे हैं सी दैट इज प्रोटोप्लास्ट तो हम पोल के साथ ही जाएंगे इसका आंसर होगा सी दैट इज प्रोटोप्लास्ट आप देख रहे हो सबसे कम वाले बी हैं मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो साइटोप्लाज्म आंसर कर रहे हैं क्या सुन रहे हो बेटा जो बाकी के बच्चे हैं ए बी और सी कैटेगरी वाले डी कैटेगरी वाले बेटा आप जवाब क्यों गलत दे रहे हो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आप जवाब गलत दे रहे हो उसका मतलब आप नहीं सुन रहे बेटा और अगर आप नहीं सुन रहे हो तो इसका मतलब कुछ कमी है अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाओ ठीक है अपनी कमियों को लेक्चर के साथ साथ दूर करना है चल बेटा देखते हैं आ जाओ सबसे तेज आंसर किसने दिया है काजल सिंह ने सबसे तेज आंसर दिया है पॉइंट वन सेकेंड में आकांक्षा चौधरी ने पॉइंट टू सिक्स सेकेंड में बेटा देखो ईमानदारी से बताना तुक्के नहीं लगाने हैं ये पोल में फट से तुक्के लगा दिए क्योंकि बहुत जल्दी जो आंसर आता है ना वो तुक्के वाला आंसर होता है क्योंकि आपको एक सवाल पढ़ने में ही टाइम लग जाता है पर क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने सवाल लिखा है इसलिए तुमने जल्दी आंसर कर दिया चलिए वेरी गुड बेटा तो ये हमारे कुछ टॉप परफॉर्मर्स हैं ये देखो बहुत सारे बंदों के नाम सामने आ रहे हैं तो धीरे धीरे हम सबको जानेंगे जो बच्चे कंटिन्यूसली टॉप परफॉर्म करेंगे पोल्स में उनको हम वीडियो कॉल भी करेंगे लाइव क्लास में वीडियो कॉल करेंगे उनसे बात करेंगे बाकी बच्चे भी देखेंगे तो अच्छा परफॉर्म करो बेटा टेस्ट में और पोल में चलो तो आंसर इसका होगा प्रोटोप्लास्ट अगर मैं एक प्लांट सेल से उसकी सेल वॉल हटा दूं निकाल दूं तो वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि मैम उसे एनिमल सेल क्यों नहीं कह सकते अगर आपने आपको इतना तो पता होगा मैम आप इतने साल से पढ़ा रहे हो एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती बाकी एनिमल सेल के पास प्लास्मा मेम्ब्रेन भी होती है सेल ऑर्गेनलीज भी होती है न्यूक्लियस भी होता है तो अगर मैं किसी प्लांट सेल से सेल वॉल हटा दूं तो उसे मैं एनिमल सेल क्यों नहीं कह सकते बताओ क्या एक एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है क्या एक एनिमल सेल के पास प्लास्टिड होता है क्या एक एनिमल सेल के पास बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है जो बिल्कुल सेंटर पर होता है नहीं ना बेटा अगर आप किसी प्लांट सेल से सेलवॉल निकाल दो तो जो बचा हुआ होगा वो प्रोटोप्लास्ट होगा बेटा आप उसे एनिमल सेल नहीं कह सकते एक प्लांट सेल एनिमल सेल से अंतर होता है एक प्लांट सेल में ये तो नौवीं दसवीं का बच्चा भी जानता है कि एक प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एक प्लांट सेल में सेंटर पर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है लेकिन एक एनिमल सेल में लेकिन एक एनिमल सेल में ना तो प्लास्टिड होता है ना क्लोरोप्लास्ट होता है और ना ही उसके पास सेंटर पर बड़ा सा वैक्यूल होता है तो अगर तुम किसी प्लांट सेल से सेल वॉल हटाओगे तो तुम उसे एनिमल सेल कैसे कह सकते हो नहीं कह सकते बेटा क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़ा डिफरेंस होता है राइट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है चलो ये समझ में आ गया मैम अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हम सेल किसे कहते हैं एक सेल कैसे बना होगा हमें समझ में आ गया कि एक सेल कैसे बना होगा धरती पर और उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उन्हें हम क्या क्या कहते हैं तो एनिमल सेल फिर कैसा होता है जो कि हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम एनिमल प्लांट वर्सेस एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में अभी अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं बेटा तो हां एनिमल सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बिल्कुल है एनिमल सेल के पास प्रोटोप्लाज्म है प्रॉपर प्रोटोप्लाज्म, जैसे आप अच्छे से जानते हो प्रोटोप्लाज्म क्या है प्रोटोप्लाज्म आपका है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस राइट उसके पास साइटोप्लाज्म भी है न्यूक्लियस भी है मतलब सारी सेल ऑर्गनलीज हैं साइटोसोल भी है न्यूक्लियस भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है सब कुछ है एक एनिमल सेल के पास बात समझ रहे हो बेटा एक एनिमल सेल के पास साइटोसोल है साइटोसोल में पड़ी हुई सेल ऑर्गनलीज भी हैं लेकिन कौन सी सेल ऑर्गनली नहीं है क्लोरोप्लास्ट उसके पास नहीं है इसीलिए हम उसको प्लांट सेल जैसा नहीं कह सकते बिल्कुल तो एनिमल सेल के पास लिक्विड लिक्विड वाला पार्ट साइटोसोल है उस साइटोसोल में पड़ी हुई सेल ऑर्गेलीज है यानी कि उसके पास साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट न्यूक्लियस है यानी कि उसके पास प्रोटोप्लाज्म है और फिर उसके चारों तरफ जो है क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है राइट right? तो हम लेकिन इस प्रोटोप्लास्ट शब्द को हम एनिमल सेल के लिए यूज नहीं करते ये प्रोटोप्लास्ट वर्ड को हम प्लांट सेल के लिए ही यूज करते हैं ये ध्यान रखना कई बच्चे लिख रहे हैं कि तो फिर मैम प्रोटोप्लास्ट जो है वो उसके जैसा हो गया ना एनिमल सेल ही तो हो गया प्रोटोप्लास्ट अभी मैंने तुम्हें समझाया प्लांट सेल में से अगर सेलवॉल हटा दो तो जो बचा उसे प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है राइट अब एनिमल सेल आप कहोगे मैम एनिमल सेल भी तो यही है ना अगर आप प्लांट सेल में से वॉल हटा दोगे तो एनिमल सेल भी तो यही है ना तो क्या हम प्रोटोप्लास्ट को एनिमल सेल कह सकते हैं नहीं कह सकते क्यों कारण मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि एनिमल सेल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होती जो प्लांट सेल में है तो एक एनिमल सेल को आप एनिमल सेल ही कहोगे प्रोटोप्लास्ट नहीं कहोगे क्रिस्टल क्लियर हो गया बाकी उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है साइटोसोल भी है साइटोप्लाज्म है सेल ऑर्गनिज है न्यूक्लियस है पर उसके पास बड़ा सा सेंटर पर प्रेजेंट वैक्योल नहीं है क्लोरोप्लास्ट नहीं है प्लास्टिड्स नहीं है बात समझ में आ गया मेरे बच्चों बात समझ में आ गया चलिए समझ में आ गई तो बढ़िया बात है बेटा फिर बैक्टीरियल सेल अब बैक्टीरिया के पास भी होता है भाई सेल तो जो कि कैसा होता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है जो कि कैसा होता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है तो सेल तो मैडम बैक्टीरिया के पास भी है लेकिन बाबू बैक्टीरिया के पास वॉल है वॉल है वो अलग बात है कि ये सेल वॉल प्लांट सेल से बिल्कुल अलग है प्लास्मा मेम्ब्रेन भी है साइटोसोल है लेकिन इस साइटोसोल में सेल ऑर्गेनलीज नहीं है सेल ऑर्गेनलीज नहीं है न्यूक्लियस नहीं है ये सब मैं डिटेल में बताऊंगी बैक्टीरिया के पास केवल एक ही सेल ऑर्गनली होती है केवल एक सेल ऑर्गनली है जो बैक्टीरिया के पास होती है और वो है राइबोसोम। वो है राइबोसोम। वो है राइबोसोम वो है राइबोसोम बेटा बात समझ में आ रही है तो सेल सेल एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको सेल का समझ में आ गया होगा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर और यह भी समझ में आ गया होगा कि प्लांट सेल अलग होता है एनिमल सेल अलग होता है और बैक्टीरियल सेल अलग होता है हमने ये तो जान लिया कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की जान लिया यह भी जान लिया कि एक सा स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल का ये भी जान लिया और ये भी जान लिया कि प्लांट सेल अलग है एनिमल सेल अलग है और बैक्टीरियल सेल अलग है बैक्टीरियल सेल के पास लिक्विड लिक्विड वाला पार्ट है साइटोसोल है पर उसमें पड़ी हुई जो सेल ऑर्गेनलीज होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब नहीं है उसके पास केवल एक ही सेल ऑर्गेनली है और उसका नाम है राइबोसोम बैक्टीरिया के पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस भी नहीं होता है समझ में आ गई अब इसकी डिटेल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एनिमल सेल प्रॉपर कैसा होता है प्लांट सेल प्रॉपर कैसा होता है बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियल सेल पे तो पूरा एनसीईआरटी में पैराग्राफ है बैक्टीरियल सेल में तो पूरा पैराग्राफ है पर मुझे यह समझ में आ गया कि मैडम ने बताया सेल भैया सा कैसा होता है और लेकिन तीनों सेल अलग तरह के होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल अलग होता है प्लांट सेल थोड़ा सा अलग होता है एनिमल सेल थोड़ा सा अलग होता है पर हाँ सेल कैसा सा होता है ये बेसिक आइडिया हमें आ गया और वायरस के पास प्रॉपर सेल नहीं होता तो वो सही मायनों में लिविंग होता नहीं है बताओ बेटा बात समझ आई कि नहीं <स्यास> बताओ बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई बात समझ में आ गई <स्यास> पक्का हाँ बेटा <laughs> रुक जाओ बात समझ में आ गई बाबूजी पक्का चलो तो एक सेल का आइडिया लग गया बेटा अब मैं अगली क्लास में तुम्हें बताऊंगी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पहले कि कैसे सेल ने मिलकर एक पूरा प्राणी बना दिया फिर हम थोड़ा सा यूनिसेलर और मल्टी सेलर बच्चों से मिलना है अभी मिलाए अभी रुक जाओ दो मिनट मिलाऊंगी बच्चों से तो वो देखेंगे यूनिसेलर यूनि और मल्टी सेलर में डिफरेंस देखेंगे और फिर हम चलेंगे सेल थ्योरी पे सेल थ्योरी डिस्कस करेंगे और फिर हम प्रोकैरियोटिक सेल से शुरुआत करेंगे फिर हम यूकैरियोटिक सेल पर जाएंगे राइट एनसीआरटी का डिस्कशन मैं कल की क्लास में करूंगी आज डीपीपी नहीं मिलेगी डीपीपी कल से मिलेगी ठीक है बात समझ में आ गई तो जाने से पहले एक छोटा सा रिवीजन पॉडकास्ट दे दूं आज हमने क्या पढ़ा आज हमने ये पढ़ा कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की हमने ये पढ़ा कि सेल कैसे बना पहले साइटोसोल बना फिर उसमें सेल ऑर्गनिज आई तो साइटोप्लाज्म बना फिर उसमें न्यूक्लियस आ गया तो प्रोटोप्लाज्म बना फिर उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई तो प्रोटोप्लास्ट बना और ऐसे एक प्लांट सेल बन गया एनिमल सेल के पास भी ये सब कुछ है पर सेल वॉल नहीं है लेकिन फिर भी मैं एनिमल सेल को प्रोटोप्लास्ट नहीं कहती क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बैक्टीरियल सेल के पास साइटोप्लाज्म है पर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेलीज नहीं है सिर्फ एक सेल ऑर्गनली है और वो है राइबोसोम बाकी की डिटेल हम अगले आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे राइट तो बेटर कनेक्टिविटी के लिए बेटा बेटर कनेक्टिविटी के लिए आज की तारीख में मुझे तुम्हें ये भी बताना था कि बाबू सेलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है पर कोई नहीं सेलर ऑर्गेनाइजेशन को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे ठीक है चलिए तो बेटा चलते हैं फिर एन भी लेकर आई थी मैं आपके लिए एन का भी पूरा कॉपी पेस्ट लेकिन कल डिस्कस करेंगे ठीक है आज हमने पूरी स्ट्रैटेजी बना ली है आपका आज का होमवर्क क्या है आज का होमवर्क आपका है कि जितना हमने पढ़ाया उतना रिवीजन करोगे अपनी एक प्रॉपर बॉटनी कॉपी आज ही बना लोगे कल का वेट नहीं करोगे एक प्रॉपर बॉटनी कॉपी आज ही बना लेंगे और कल से मैं आपको होमवर्क डीपीपी तो मिलेगा ही लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको होमवर्क में दूंगी तो डीपीपी के अलावा मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क में मिलेंगे एक रिवीजन पॉडकास्ट मिलेगा ठीक है बेटा चलो ओके और हर एक लेक्चर में जाने से पहले जाने से पहले हर एक लेक्चर में एक छोटा सा एक छोटा सा रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि शिक्षा एजुकेशन सिर्फ चार लाइनें पढ़कर रटना ही एजुकेशन नहीं होती जब तक आप सही मायनों में बेहतर इंसान नहीं बनोगे तब तक एजुकेशन के कोई मायने नहीं हैं तो क्लास के एंड पे एक स्लाइड रहेगी जहाँ पे आपको ज्ञान नहीं विज्ञान मिलेगा तो ये ज्ञान नहीं विज्ञान है और आज का जो छोटा सा डिस्कशन में करना चाहती हूँ वो है कंसिस्टेंसी तो बेटा ये ध्यान रखना कि लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है रोज आपको रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करते जाना है बीच में छूट जाता है चीज़ें तो बिगड़ जाती हैं और ऐसा जो तुम्हें ज्ञान दे रही हूँ ना जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रही हूँ मैं खुद भी ऐसी नहीं हूँ मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती अभी कुछ दिनों से सोच रहे हैं एक्सरसाइज शुरू करेंगे इतना सारा वेट गेन कर लिया है तो तीन चार दिन तो बहुत जोश आया चलो करते हैं करते हैं पांचवें दिन फिर टाए टाए फिस तो सिर्फ आप ही नहीं आपका टीचर भी ऐसा है मैं भी ऐसी हूं मैं भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाती तो ये मिलकर दूर करते हैं मैं आपसे वादा करती हूँ डेली एक्सरसाइज करूंगी और आप मुझसे वादा करो कि डेली पढ़ोगे कोई बैकलॉग कोई बैकलॉग नहीं करोगे बेटा कभी भी हर दिन का हर दिन खत्म करना है डेली डीपीपी सॉल्व करोगे डेली क्वेश्चंस करोगे होमवर्क के और इकट्ठा नहीं करोगे चीजों को और कंसिस्टेंट रहोगे ठीक है ये प्रॉमिस करो और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ चाहे मैं पांच मिनट एक्सरसाइज करूं डेली करूंगी योर मैम विल बी फिट ताकि तुम्हें वो दो घंटे यहां खड़े होकर आराम से पढ़ा सके ठीक है ठीक है मैं भी प्रॉमिस तो ये ज्ञान नहीं है ये ज्ञान नहीं है क्योंकि हम जो तुम्हें कहते हैं हम भी वैसे नहीं होते कि हार्ड वर्क करो कंसिस्टेंट रहो हम कौन सा कंसिस्टेंट है यार तो सब इम्परफेक्ट ह्यूमन बींग्स हैं तो मैं तुमसे एक प्रॉमिस करके जा रही हूं मैं कल एक्सरसाइज करके आऊंगी तुम्हें बताऊंगी कि आज मैडम ने एक्सरसाइज करी है और तुम मुझे कल की क्लास में बताओगे कि मैम हमने बैकलॉग नहीं रखा सब कंप्लीट करते जा रहे हैं साथ साथ सारी डी सारा असाइनमेंट सारा होमवर्क रोज के रोज करेंगे कुछ इकट्ठा नहीं करेंगे ठीक है ओके बेटा चलो फिर आज के लिए थैंक यू है कल की क्लास में मिलेंगे बहुत सारी एनर्जी के साथ और बहुत सारे नए कंटेंट के साथ आप भी पूरी एनर्जी के साथ आना बैच में बेच बेटा हमेशा खुश होकर आना कभी स्ट्रेस से नहीं कि यार चलो बैच में जाना पढ़ने नहीं मैं भी खुश होकर आऊंगी हमेशा पूरी एनर्जी के साथ और आप भी बैच में हमेशा पूरे खुश होकर एनर्जी के साथ आना राइट ठीक है चलिए <coughs> ओके जी चलो चलते चलते आज पहली क्लास है तुम्हारे लिए गाना गा देते हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट भी जरूरी है एक गाना पर ही हर रोज़ नहीं होगा आज क्योंकि पहली क्लास है तुम्हारे लिए एक गाना गा देते हैं ठीक है चलो मिश्री को देखना है मिश्री भी बेटा तुम्हारे यहाँ भी मिलने आई है कि मुझे भी बच्चों से मिला दो मैडम मम्मी मुझे दोस्तों से मिल <laughs> तो वो आ रही है दो मिनट रुक जाओ वो आ रही है वो कह रही थी मम्मी मुझे अपने दोस्तों से मिलना है उसे लगता है कि मम्मी कैमरे पे बहुत सारे दोस्तों से बात करती हैं और उसे मिलना है दोस्तों से जस्ट टू मिनट चलो थैंक यू बेटा थैंक यू थैंक यू अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो थैंक यू आ गई आ जाओ बेटा जल्दी मिलना है ना आपको दोस्तों से आ जाओ जल्दी भाग्य मिलना है दोस्तों से आ जाओ चलो मिल लो दोस्तों से आज मम्मी की पहली क्लास है आपको दोस्तों से मिलना है चलो हेलो बोल दो बोले मैं मिश्री हूँ आपको हमेशा मिलती रहूंगी बस अपना ध्यान रखना और पढ़ना <laughs> चलो भाई अपना ध्यान रखना अच्छे से और पढ़ना ठीक है चल चल बेटा जा चलो रोज मिलना बच्चों से ठीक है चलो बेटा कल सुनाऊंगी गाना बैच के अंदर चलिए ओके okay जी नहीं बेटा इसको फीवर नहीं है ये तो बड़ी बेटी है छोटा बेटा भी है मेरा उसको आज फीवर है तो अभी जाके उसी को देखना है तो बेटा हम भी ना सच में जान लगा के मेहनत करते हैं मतलब दिमाग बहुत डिस्टर्ब था वो रो रहा था कि चलो जाके क्लास लेनी है मैं कोई सिंपत्ति के लिए नहीं बता रही और इसलिए नहीं बता रही कि देखो तुम्हारी मैडम कितनी महान है नहीं मैं ये बता रही हूँ कि बेटा आप लोग भी बहाने मत बनाना हम लोग ना सच में कोई बहाना नहीं बनाते अगर हमें क्लास लेनी है ना तो लेनी है चाहे मुझे बुखार है खांसी है जुकाम है हम भूल जाते हैं और कोई भी रीज़न हो हम यहाँ खड़े होते हैं स्माइल के साथ पढ़ाते हैं तो जितने भी टीचर्स हैं ना बेटा जितने भी सारे इतनी ही मेहनत कर रहे हैं सबको रिस्पेक्ट करना अपने गुरु पे भरोसा रखना और रिस्पेक्ट करना लाइफ में सफलता मिलेगी क्योंकि वो यहाँ खड़े होकर बेटा बहुत मेहनत करते हैं उनकी फैमिली में भी बहुत कुछ चल रहा होता है लेकिन वो कभी फेस पे नहीं आने देते और पूरी एनर्जी से यहाँ तुम्हारे साथ लगे रहते हैं तो तुम भी ऐसा ही अपनी लाइफ में करना बेटा बहाने मत बनाना देखो मैंने आज बहाना नहीं बनाया मेरी भी तबीयत सुबह से थोड़ी ढीली है बच्चा मेरा बीमार है सुबह उसको डॉक्टर के पास लेके आए गए फिर भागते दौड़ते मैं आई हूँ और इतनी जल्दी मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं नहाई पाँच मिनट में नहा के बाहर निकली हूँ बाथरूम से और क्लास के लेने के लिए खड़ी हो गई बहाना नहीं बनाया नहीं तो मैं कह सकती थी यार क्लास कैंसिल कर दो क्यों कर दो भाई बच्चे का भविष्य मेरे हाथों में है और मैं उसके साथ नहीं खिलवाड़ करूँगी तो बेटा तुम भी मत करना पूरे साल बहाना कि बुखार हो गया या कुछ हो गया टेस्ट नहीं देंगे या चलो छोड़ो आज पढ़ाई नहीं करते हैं क्योंकि बेटा ये जो ये जो पेन है ना जुखाम बुखार खांसी बहाने ये सब चले जाते हैं पर सक्सेस किसी के लिए वेट नहीं करती तुम लोग भले ही बिल्कुल सच बोल रहे हो तुम्हें सच में बुखार हुआ तुम्हारा लेक्चर छूट गया टेस्ट छूट गया तुम्हारा ये सच है ये बहाना नहीं है पर फिर भी क्या नीट तुम्हारा इंतज़ार करेगा नहीं करेगा ना बेटा तो कुछ भी हो जाए किसी चीज को बहाना नहीं बनाना है बस ध्यान रखना इसी फिलॉसफी के साथ पूरे बैच में चलते रहो और मेहनत करते रहो सिलेक्शन होगा बेटा बहुत बड़ी चीज नहीं है सिलेक्शन ठीक है चलो फिर मिलते हैं साइनिंग ऑफ मैंने आठ मिनट एक्स्ट्रा ले लिए तुम्हारे कल की क्लास में मिलते हैं बेटा नए टॉपिक के साथ कल काफी सारा कंटेंट हम कवर करेंगे एनसीआरटी रीड करेंगे डीपीपी तुम्हें मिलेगी नए क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे हम साथ के साथ क्वेश्चंस और पीवाई सॉल्व करेंगे तो बहुत कुछ होने वाला है कल की क्लास में बहुत मजा आने वाला है सारे फुल अटेंडेंस रखना ओके चलो साइनिंग ऑफ बाय बाय लव यू ऑल मिलते हैं कल